ऑर्डर है वो किससे मिला है, वो भी डायरेक्टली हमें मेल में आया है मैम, बाकी हमें स्कूल की वो तरफ भी से कोई ऑर्डर आपको नहीं। एससीआरटी से ही मिला है। यस मैम। तो आप ऐसा करिए, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम आप को डेप्यूट किया गया है यहाँ ट्रेनिंग के लिए, जी मैम। और उस ऑर्डर की कॉपी आपको भी भेजी गई है। यस मैम। अगर इंटरनली आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसका रिजोल्यूशन हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। जी मैम। उसके लिए जहां से आपको चिट्ठी आई है आप उनसे बोलिए कि अब हम ये करें या ये करें। और अगर लेकिन आपको आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो एससीआरटी से ही हमें चिट्ठी आई थी, उन्हीं से ही एक चिट्ठी भिजवा दीजिए कि हिमाचल के पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि उनको स्कूल में क्लासेस लेनी है। ये एक लेटर मैम हमें भिजवा दीजिए वहां से, और आपको जो आपका इंटरनली डिसाइड होता है उस डिसीजन के मुताबिक काम करिए। वी हैव लेकिन ऑलरेडी रिस्पोंडेड टू द मेल विच वी हैव हाँ रिसीव्ड जी, फ्रॉम एससीआरटी। कोई और बोल सकते हैं क्या? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं सुनाई दे रही। औरों को सुन रही है क्या? मुझे नहीं सुन रही है। ठीक, नहीं मैम, क्लियर नहीं। कुलदीप सर, आपकी आवाज काफी ब्रेक सी हो रही है तो हमें समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। मैम एससीआरटी को मेल कर दी थी हमने, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया हमें बिल्कुल भी वापस, कुछ भी नहीं। लेकिन उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम बीच में कहीं नहीं आते हैं। हमें तो आपका नाम वहां से रिकमेंड होके आया है, आप लोगों का जो भी 20 पार्टिसिपेंट्स हैं ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद वहां पर क्या हुआ और आपको और कौन से ऑर्डर मिले, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो आप या तो एक ऑफिशियल लेटर हमें भिजवा दीजिए कि आप लोग ये ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं, एक ऑफिशियल लेटर जो आपकी डिप्यूटिंग अथॉरिटी है इस ट्रेनिंग में उनके थ्रू एक फॉर्मल लेटर भिजवा दीजिए बस प्रोफेसर बेहरा को। ओके ये मैम। आपको करना है, और आप डिसकंटिन्यू करना चाहें डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। मैम दूसरी ये चीज, सभी की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी किसी की प्रॉब्लम है, सभी की नहीं है, 20 के 20 की नहीं है। हाँ, जिसकी भी प्रॉब्लम है, जिसकी भी प्रॉब्लम है आप अपने अथॉरिटी से एक फॉर्मल लेटर भिजवाइए हमें। क्योंकि ओके मैम। भाई जहां से नाम रिकमेंड होके आया है वहीं से ये रिकमेंड होके आएगा कि ये नहीं कर सकते ट्रेनिंग, ओके तो मैम। हम इनका इन इनका नाम कॉल ऑफ कर रहे हैं। तो ये चिट्ठी हमें मिलनी चाहिए, ठीक है? पहली बात ये। ओके दूसरी चीज ये पहली बार ही मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि हिमाचल की टीम में इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। जब हम ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ सबको कह रही हूँ, तो कोई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो एक डेकोरम होता है उसका, यस कि मैम। हमें उस डेकोरम के तहत बिहेव करना होता है कि हम कैसे बात कर रहे हैं, किस पे फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं, और क्या हम सही कर रहे हैं वो। अगर हम अपना कोई फ्रस्ट्रेशन यहाँ ट्रेनिंग में उतार रहे हैं, ग्रुप्स में अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये बिहेवियर ठीक नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई स्कूल के बच्चे थोड़ी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग सब। आप लोग को पता होना चाहिए कि अपनी बात को रखने का कहने का तरीका क्या होता है। यस वो मैम। एक टोन फ्रस्ट्रेटिंग होना चाहिए या वो कंस्ट्रक्टिव सजेशन होना चाहिए अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं। जी मैम, यू आर राइट। दूसरे, आप लोगों के जो व्यूज हैं, जो चीजें आप कह रहे हैं वो बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रुप से बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, तो आपका जजमेंट हमारे लिए वैल्यू नहीं करता बिकॉज इट इज कंट्राडिक्टिंग द रिमार्क्स एंड कमेंट्स ऑफ ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स। तो ऐसा जो लीग से हटके काम मत करिए, आपको नहीं करना है तो अपनी अथॉरिटी से हमें एक फॉर्मल लेटर भिजवा दीजिए। यस बस मैम। जिस रूट से आया था उसी रूट से आपका ये आ जाए कि भाई ये पार्टिसिपेंट्स हैं जो अटेंड नहीं कर सकते हैं। यस मैम। लेकिन उसके लिए अगर डॉक्टर मोनिका हैं, शी इज डूइंग आउट ऑफ द वे, शी इज डूइंग, शी इज वर्किंग ऑन सैटरडे एंड संडे एड्रेसिंग ऑल योर क्वेरीज। और ये नहीं है कि 5 दिन की ट्रेनिंग 5 दिन की होती है, उससे पहले महीने भर की प्लानिंग चाहिए होती है हमें। जी महीने मैम। भर पहले से हम लोग ये काम कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं। इट इज ऑन डिमांड। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, बैकग्राउंड ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मैडम अनीता करवाल ने 5 रीजनल वर्कशॉप्स की थी इन्वॉल्विंग ऑल दी स्टेट्स एंड यूटीज। ओके और मैम। वहां ये तय हुआ था क्योंकि एफएलएन को एक मिशन के तहत हमें लॉन्च करना है देश भर में। ये आपको सबको पता होगा एनईपी के हिसाब से ये एक मिशन मोड में हमें इनिशिएटिव करना है। वहां ये डिमांड आई थी कि स्टेट्स को ई कंटेंट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और उसके तहत ये ट्रेनिंग स्पेशल करी जा रही है।
सारे स्टेट्स और यूटीज को इन्वॉल्व करके। तो इस ट्रेनिंग का ये वैल्यू है और ये बैकग्राउंड है जो शायद मैं आपको इनोग्रल में नहीं बता पाई, उसके तहत ये ट्रेनिंग की जा रही है। अगर कुछ लोगों को इससे लाभ नहीं हो रहा है तो वो खुशी खुशी छोड़ सकते हैं, बट दे हैव टू फॉलो अ प्रॉपर चैनल फॉर इट। जिस चैनल से आपको यहाँ डेप्यूट किया गया है उसी चैनल से आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें एक चिट्ठी भिजवा के अपनी अथॉरिटी से जाने को जा सकते हैं, हम आपको कोई रोक के नहीं रख सकते, लेकिन एक फॉर्मल लेटर हमें मिल जाना चाहिए। मैम प्रतिभा जी हैं हिमाचल से, वो भी आपसे बात करना चाहती हैं। प्रतिभा जी प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। प्रतिभा मैम, हाँ जी, आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मैम यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि एससीईआरटी सोलन से हमें इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल को लेटर गया था कि इन पर्टिकुलर 20 एसआरजी को डेप्यूट किया जाए फॉर दिस वर्कशॉप, लेकिन अभी बिकॉज हमारे यहाँ पे वीडियो अलाउ कर दीजिए, किसी का आ रहा है। बोलिए, हेलो, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ प्रतिभा जी बोलिए। हाँ जी, तो लेकिन अभी कल हिमाचल गवर्नमेंट के ऑर्डर आए हैं कि आज फर्स्ट फेब से सभी स्कूल ओपन होंगे फ्रॉम 9 to 12, एंड बिकॉज एससीईआरटी सोलन से कोई भी ऐसा लेटर डिप्टी डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स को नहीं गया है कि इन पर्टिकुलर सिलेक्टेड एसआरजी को वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया जाए, तो हमारे जो स्कूल हैं वो ऐसे ऐसे एरियाज में है जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी ना के बराबर है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अटेंड नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि हमें वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर्स हमारे प्रिंसिपल्स हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स से नहीं मिल रहे हैं, एंड वो ये अपना रिक्वायरमेंट शो करें कि हमें एससीईआरटी सोलन को लेटर कोई मेल ऐसी मिल जाए जिसमें लिखा हो कि आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया गया है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जब आपको किसी ट्रेनिंग में डेप्यूट किया जाता है तो आप स्कूल नहीं अटेंड करते। मान लीजिए ये ट्रेनिंग फेस टू फेस होती और दिल्ली में होती, ठीक है, तो आप क्या करते, तो आप दिल्ली में ही होते ना, और बाकी ऑर्डर रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए अप्लाई होता जो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप ये बात? ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? वो आपके ऊपर थोड़ी अप्लाई होता क्योंकि आप तो एक ट्रेनिंग में डेप्यूटेड हैं और आप दिल्ली आए हुए हैं। बस फर्क ये है कि अभी ये ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है, फेस टू फेस नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्योंकि ये 9 to 5:30 ट्रेनिंग है, स्कूल अटेंड करना आपकी लाइबिलिटी नहीं है इस समय क्योंकि आपको ये ऑर्डर मिला है। स्टिल इट इज योर इंटरनल प्रॉब्लम। अगर स्कूल से आपको ऐसे कोई ऑर्डर मिले हैं तो आपको एससीईआरटी से जो ऑर्डर मिला है ये मीटिंग अटेंड करने के लिए, ये आप उनको भेजिए कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो ये स्कूल के टाइम 9 to 5:30 तो नहीं होते हैं ना। मैम ये ऑर्डर्स हमने अपने प्रिंसिपल्स को दिखाए हैं और उनका ये कहना है कि अगर स्कूल ओपन होते हैं देन यू हैव टू कम टू स्कूल और स्कूल से ही आप अपना अटेंड कीजिए अगर हो सकता है, तो अदरवाइज हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। आप इंटरनली डिस्कस करिए ये चीज, आप अपने प्रिंसिपल के साथ, ये जो प्रॉब्लम्स आप मुझे बता रहे हैं कोई यूज नहीं है इसको बताने का, ये प्रिंसिपल को बताइए कि टाइमिंग जो है 9 to 5:30 है, या एससीईआरटी डायरेक्टर जिसने आपको डेप्यूट किया और अपने प्रिंसिपल की बात करवा दीजिए उनसे एक ऑर्डर। हाँ एससीईआरटी सोलन से एक एक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हाँ तो फोन पे सोलन से हम ये कर सकते हैं, मोनिका वो नंबर मुझे देना, हम उनको बोलते हैं कि इनके स्कूल से वो कम्युनिकेट करें, ठीक है। तो मैं प्रोफेसर बेहरा से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रिंसिपल एससीईआरटी सोलन से अगर आप थोड़ा रिक्वेस्ट करें कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कंसीडर करें और एक लेटर जस्ट 5 days 4 days। म्यूट हो गए शायद प्रतिभा, हम स्कूल से अटेंड कर रहे हैं ये ट्रेनिंग, ठीक है हम बात करते हैं, आप उनका नंबर दे दीजिए अगर आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इस समय मैं इतना ही आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई भी चीज होती है, कोई भी समस्या होती है, तो उसको कहने का तरीका होता है। आपको ये बातें
या तो हम मुझसे डिस्कस करनी चाहिए थी या प्रोफेसर बेहरा से डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन आपके यहाँ के पार्टिसिपेंट्स, अगर डॉक्टर मोनिका, प्लीज लेट मी कंप्लीट, अगर डॉक्टर मोनिका के ऊपर, हु इज देयर टू हेल्प मी आउट, हु इज सपोर्टिंग मी ऑल्सो, उनके ऊपर अगर आप लोग फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं जो कि आपके इंटरनल इशू से रिलेटेड है, तो ये दैट इज नॉट फेयर एक्चुअली, एंड इट इज नॉट द वे टू बिहेव इन अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल विद अ पर्सन हु इज विद यू हेल्पिंग यू आउट इन एवरी एस्पेक्ट दैट यू रेज. नो मैम, मोनिका मैम या इस पूरे आपके यहाँ से एक दो पार्टिसिपेंट्स हैं जो ग्रुप में भी उल्टी सीधी चीजें लिख रहे हैं. नहीं मैम, इस ये सब और हिमाचल से तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हिमाचल से ऐसा चीजें आएंगी, क्योंकि हिमाचल के बारे में वी हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट यू पीपल, अबाउट योर आईसीटी इनिशिएटिव, आईसीटी स्किल्स एंड all the other initiatives that are being implemented in Himachal. हम उनको एक best practicing state की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से आपके यहाँ के participants behave करें, it is really disappointing. और मुझे नहीं पता जो वो हैं यहाँ पे या नहीं है, तो मैं गलत लोगों के आगे बोल रही हूँ. मैम अभी उन्होंने शायद नहीं ज्वाइन किया, एचपी से केवल 3-4 लोगों ने ही ज्वाइन किया है. आई थिंक अ फ्यू मेंबर्स हु वर इन द स्टेट ग्रुप स्पेशली दे वर सेइंग अ लॉट, सो दे आर नॉट हियर राइट नाउ. और पढ़े लिखे हैं आप लोग, आपको तरीका पता होना चाहिए कि अगर कोई समस्या सामने आ रही है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, तो प्रॉब्लम रिजोल्यूशन कैसे करना चाहिए, किस रूट से करना चाहिए, वो सारी चीजें तो एक एकेडमिक लोगों को वैसे ही उनका ब्रेन इनग्रेन्ड होना चाहिए ऐसे चीजें करने के लिए, कि हाउ टू रिजॉल्व एन एक्चुअल अ प्रॉब्लम इन अ प्रॉपर मैनर. यस सर, मतलब एक्चुअली ऑर्डर्स कल शाम को आए और कल शाम को ये सब डिस्कस हुआ और हमने प्रिंसिपल एससीआरटी सोलन से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, बट वहां से कोई हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला. फिर हमने सोचा कि आज हम पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला या रिस्पांस ही नहीं मिला. मैम उन्होंने रिस्पांस ही नहीं किया. ठीक है, फिर मतलब रिस्पांस ही नहीं मिला ना, अभी कोई आप कांटेक्ट नहीं कर पाए एक्चुअली उन्हें. नहीं, हमारे एक हैं मिस्टर सुरेंद्र, उन्होंने कांटेक्ट किया था लेकिन उनका कहना था कि अभी उन्होंने कुछ भी मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया इस सबको लेके, कि उन्हें हमारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है. हमें नहीं मालूम कि एक्चुअल क्या उनकी बातचीत हुई, लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स ही वहां से आया है ऐसा सुनने को मिला. ये परवेज अहमद भी क्या हिमाचल से हैं? नो मैम, नहीं है, ये लद्दाख से है. नो मैम, जेएनके. परवेज जी आप प्लीज जेके लगाइए अपने नाम के आगे, जो कुछ कहना चाह रहे थे मुझे लगा शायद हिमाचल से. ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू. ओके मोनिका, आज ही प्रोफेसर बेहरा को बोल देते हैं कि एक बार एससीआरटी सोलन से बात करें, मैं भी कर लूंगी, जिनका भी लगेगा फोन, इधर मी और प्रोफेसर बेहरा, हम बात करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट सेशन ऑफ द डे व्हिच इज ऑन. एक और चीज दोबारा मैं रीइटरेट करना चाहती हूँ प्रतिभा जी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर ये फेस टू फेस ट्रेनिंग होती तो वो ऑर्डर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था. इन दिस सिमिलर मैनर, जब तक आप ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग में डेप्यूटेड है, दैट ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ओबेइंग वन ऑर्डर विच इज अर्लियर बीन इशूड टू यू. ठीक है मोनिका, यू कैन कैरी ऑन. थैंक यू. So now for the first session of the day, which is on developing infographics, we will have two resource persons for this session. One will be taking us through developing infographics and the second will be on developing concept map. So I would now like to invite Dr. Deepthi for giving us idea about what infographics are and how do we create them, and also demonstrating the complete process of creating the infographics. Once we finish this in this session, then we will move on to the hands-on
where you all will be practicing how to create infographics. So now I invite Dr. Deepthi to kindly unmute and start the session. Deepthi? Dr. Deepthi is here? Yes. आप फिर से म्यूट हो गए शायद. दीप्ति जी आप फिर से म्यूट हो गए हैं. आप एक बार हाँ अब अनम्यूट है. हाँ गुड मॉर्निंग. आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट माय कैमरा. नो इज इट ओके. नो नाउ यू विल बी एबल टू स्टार्ट द कैमरा. आई थिंक यू बीन गिवन को होस्ट राइट्स. यस मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेलकम टू दिस सेशन. हमारे पास इस वक्त जो सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं वो 10 राज्यों से हैं, जो कि सारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं. तो यू कैन बी बाइलिंगुअल इजीली, हिंदी इंग्लिश वो दोनों ही लगभग समझेंगे तो अच्छा रहेगा. थैंक यू डॉक्टर मोनिका फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द सेशन. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. एंड एज मोनिका मैम हैज टोल्ड दैट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इन्फोग्राफिक सेशन. एंड सो before starting I will share my screen. While you start the screen sharing, attendance sheet will be shared in a while on the chat box. Please follow the chat box and mark the attendance in the Google form. Thanks. So today I've been discussing about the graphic resources and how those graphic resources can be helped in creating some good e-content for our students. I hope you in yesterday's session you have talked about, you discussed about the e-content, various type of e-content that can be a visual audio resources or traditional audios and videos and multimedia type of resources. So under visual resource, there's another type of resource that are called graphic resources. So what are basically graphic resources? Graphic resources are the image or the visual presentation of an object. जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई भी graphic resource या visual resource की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने अपने classroom में अभी तक उसे इस्तेमाल भी किया होगा, जैसे कि charts और अपने maps, diagram, photographs या images. हम फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट्स, जो टीचिंग एड्स बनाते हैं वो हमारे ग्राफिक रिसोर्सेज ही हैं. इसको हम ब्रॉडर कैटेगरी में विजुअल रिसोर्सेज बोल रहे हैं. तो इन रिसोर्सेज का बेनिफिट और क्या है वो आपको डेफिनेटली यूज़ करते हुए पता लगा होगा. जब भी हमारे पास अगर कोई टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है उसको हम मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स उससे बहुत अच्छे से लर्निंग कर सके, और जो भी इंफॉर्मेशन हम उनको देना चाहते हैं वो एकदम से कैच कर पाए, मीन्स दैट मीन्स उसको देख पाए, देख कर उसे अंडरस्टैंड करें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. मतलब वो बहुत टेक्सचुअल टेक्स्ट मिनिमम होकर अगर कोई भी कलर पिक्चर, फोटोग्राफ, कोई डायग्राम आप शो करते हैं, और ये सब कुछ हर सब्जेक्ट में होता है, ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ है. तो विजुअल रिसोर्सेज या ग्राफिक रिसोर्सेज जो हैं वो हर एक सब्जेक्ट में यूज़ हो सकते हैं, और उसका बेनिफिट यही है कि हम टेक्सचुअल कंटेंट को कम से कम प्रेजेंट कर हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उससे. अगर हम बात करें कि इसका एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमें पता है कि कोई भी पिक्चर जो है उसको देखकर उसको ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो बेटर मेमोरी उससे रिटेन होती है, और उससे बच्चे या कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, एनी लर्नर, अगर इवन आप एल्डर लोगों की बात भी कर रहे हैं, आप देखेंगे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अभी वेबसाइट पे भी है वो ग्राफिकली प्रेजेंट करी जाती है, चाहे वो पिक्चर्स हो, इवन न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, नॉन प्रिंट मीडिया में, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, हर में ही ग्राफिक का प्रेजेंटेशन हो रहा है, और उससे हमें एग्जाम से देख कर ही उसको पता लगता है कि वो पिक्चर क्या कहना चाह रही है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, उसमें कौन सा डेटा प्रेजेंट किया गया है, उससे क्या कंक्लूड हो रहा है. तो इससे कंसेप्चुअल डेवलपमेंट बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से हो सकती है. साथ साथ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं हम अपने लर्नर्स को.
और अगर कोई डेटा बेस प्रेजेंटेशन है, सपोज अगर आप कोई रिसर्च करते हैं और उससे कोई डेटा निकल के आता है, तो रैदर देन रिप्रेजेंटिंग दैट डेटा इन द एक्सेल फॉर्म, तो हम उसको ग्राफिकली, उसके बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कोई भी टाइप का डेटा हो, उसको हम आजकल ग्राफिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट करके देंगे। तो उससे क्या होगा, पता लगेगा उसमें क्या उसका कंफ्यूजन है। तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी होता है, उससे इंटरप्रिटेशन बहुत ईजीली हो जाता है। साथ कोई भी ग्राफिक से, ग्राफिक इट्सेल्फ एक वैल्यूबल कंटेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, उसमें ऐड कर देता है वो चीज़ें, और वो टाइम सेविंग भी है। सपोज अगर आपने कोई भी ग्राफ बना लिया है, कोई भी ग्राफिक रिसोर्स बनाया है, वो आप उसको लॉन्ग टाइम तक, स्पेशली डिजिटल एरा में, अगर आपने एक चीज़ एक बार ही बना ली है, सपोज अ प्रेजेंटेशन इज बीन मेड, तो उसके बाद उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, वो आपका टाइम सेविंग भी हो जाएगा, और वो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर सकते हैं लार्जर मास से बाय स्प्रेडिंग दैट इन्फॉर्मेशन थ्रू द सोशल मीडिया और द ब्लॉग्स और जो भी वेबसाइट्स हैं, या आप जो भी अपना LMS यूज कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग के लिए, उससे वो कन्वे हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन लार्ज मासेस के थ्रू के पास। तो इसी ग्राफिक रिसोर्स की अगर बात करें, उसमें इन्फोग्राफिक्स, उसको भी अगर हम नैरो डाउन कर रहे हैं ग्राफिक रिसोर्सेज में, तो वो इन्फोग्राफिक्स करके हमारे पास एक इन्फोग्राफिक्स ई रिसोर्स है, जिसके के कुछ सैंपल्स और कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए गए हैं, और आपने ऐसा देखा भी होगा कुछ, क्योंकि अभी इवन टेक्स्ट बुक में भी इन्फोग्राफिक की फॉर्म में ही कोई भी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा रहा है। या तो हम कंसेप्ट में आपकी बात करें, जो नेक्स्ट सेशन में आप कवर करेंगे, और अगर ऐसे इन्फोग्राफिक की बात कर रहे हैं, तो भी इसमें देखेंगे आप फर्स्ट वन में कुछ क्रिएटिव कॉमन की इमेजेस लगा रखी हैं छोटी छोटी सी, और लाइसेंसिंग के बारे में उनके आइकन्स लगा रखे हैं टैबुलर फॉर्म में, उनके ब्रीफ आउट करके उनका मतलब बताया हुआ है, एंड यू कैन सी द मिनिमम इन्फॉर्मेशन, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अदरवाइज एक इन्फोग्राफिक में, जिसको हम लेमन टर्म में डिजिटल चार्ट बोल सकते हैं, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे हो रही है अबाउट द क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। सेम इन द केस ऑफ द मैपिंग ऑफ ओशन वेल्थ, ये एक बायो का इन्फोग्राफिक है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारी जो ओशन की वेल्थ है वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कोल, कार्बन और सब कुछ। और उसके साथ अगर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कंप्लीट हम देख रहे हैं, तो वो एक डेटा प्रेजेंटेशन है, जिसमें पिक्टोग्राम की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट किया गया है, जिसमें बोला गया कि गर्ल्स की एजुकेशन में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये किसी और स्टेट का, ये यूनिसेफ का डेटा है, किसी रिसर्च का डेटा है, तो उसमें परसेंटेज देख के उन्होंने बताया हुआ है, परसेंटेज मेंशन की हुई है, और इन्फोग्राफिक फॉर्म में उसे लाइक इमेजेस को छोटा करा हुआ है, 83% और 100% बॉयज है, तो उससे रेशियो को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, जिससे देख कर पता लग रहा है कि हाँ कि ये कम है, इतना इतना पार्ट कम है सेकेंडरी एजुकेशन में, इतना पार्ट ज़्यादा है। तो इन्फोग्राफिक्स में आपको क्या पता लग रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से हम अट्रैक्टिव और कलरफुल वे में बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन, डेटा और नॉलेज को कंपाइल करके एक इन्फोग्राफिक क्रिएट किया जाता है। अगर इसके एजुकेशनल यूज़ की बात करते हैं, तो जब भी हम अपने क्लास शुरू कर रहे हैं, वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो एक के सबसे पहले विजुअल हिट है, और हम कोई भी क्लास शुरू करने से पहले यूजली इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक को, या कुछ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं उसको अगर हम एक इन्फोग्राफिक की फॉर्म में बच्चों को दिखाएं और पूछें कि इसमें आपको क्या पता लग रहा है, या इस फोटोग्राफ या इमेज से या इस इन्फोग्राफिक से आप क्या इन्फॉर्मेशन आपको देख कर पता लग रही है, तो वो अपने अपने आंसर्स देंगे और वो डिस्कशन शुरू होगा, और उस डिस्कशन के बेसिस पे आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम अगर आपको समराइज करना है लेसन को, वो भी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्फोग्राफिक्स, और इस पे डेटा प्रेजेंटेशन, जैसे मैं बता चुकी हूँ, इसके थ्रू आप डेटा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपना कोई भी ग्राफिकल फॉर्म में। जब आप इन्फोग्राफिक क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो अभी इस सेशन के बाद आप हैंड्स ऑन भी करेंगे, तो आप सबसे पहले कोई भी डिजिटल ई कंटेंट बनाने के लिए, आप सबसे पहले अपने कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो इन्फोग्राफिक्स है, ये जेनरिक सॉफ्टवेयर, जेनरिक ई रिसोर्स है, जिसके थ्रू आप कोई भी सब्जेक्ट का इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, सबसे पहले ध्यान रखिए। और उसके बाद आप अपना एक, उसके एक अपना जो टॉपिक पढ़ाना है आपको, उसका इन्फोग्राफिक बनाना है आपको, उसको सेलेक्ट करके आप ये देखिए उस इन्फॉर्मेशन, जो भी उसकी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, वो आपके एक इन्फोग्राफिक में आ रही है, तो आप कुछ टॉपिक, सब टॉपिक को सेलेक्ट करिए, और उससे रिलेटेड जो भी आपका
मिनिमम टेक्स्ट हो वो क्रिएट करना है आपको, उससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी इमेजेस या आइकन्स हो वो इकट्ठे करने हैं। आपको कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते हैं वो आप ले सकते हैं, आप खुद की इमेजेस को भी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि आप एक नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं तो भी उसमें आपकी कुछ, आप उसको बनाने के लिए भी आप अपने जो कंटेंट है डिजिटल फॉर्म में, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में चाहे इमेज फॉर्म में, वो इकट्ठा करके रखते हैं। तो आप उसी तरीके से वो अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इकट्ठा कर लीजिए, चाहे टेक्सचर इन्फॉर्मेशन चाहे पिक्चर्स इमेजेस और ग्राफ्स, उनको इकट्ठा करके एक रखिए। कोशिश करिएगा उसको एक कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में बनाना है, दैट मीन्स इन्फोग्राफिक में आप मैक्सिमम कोशिश करिए अपनी उस इन्फॉर्मेशन को रखिए, ताकि बच्चे को वो कम्प्लीट टॉपिक उस एक इन्फोग्राफिक से समझ आए। उसके बाद दूसरा, उसको अपीलिंग करना है आपको, अपीलिंग इन द सेंस एस्थेटिकली आपको अपील करना है। जैसे कि हम सब लोग, अगर सबकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कलर स्कीम्स अच्छी नहीं होती है जब हम ड्रॉ करते हैं चार्ट में या पेन पेपर में, बट जो अभी हम सॉफ्टवेयर के या टूल की बात करेंगे उसमें आपको ऑलरेडी कलर्स मिलते हैं, पैलेट मिलती है, तो उससे आपको एक टेम्पलेट मिलती है जिससे आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप क्या करें, आप उसी में ही अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको ऐसा एक इन्फोग्राफिक क्रिएट करना है जो बहुत ही अपीलिंग हो, दैट मीन्स एस्थेटिकली वो कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो, ताकि वो बच्चा उसको याद कर पाए और वो इसी की वजह से वो रिटेंशन ज़्यादा होगी। तो आपको ऐसी ऐसी ऑब्जेक्ट्स या चीज़ें उसमें लगानी है उसको क्रिएट करते वक्त, ताकि वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन हो सके। तो इन्फोग्राफिक्स होते हैं वो वेरियस टाइप्स के हैं, कोई मेजर ब्रॉडर कैटेगरीज डिफाइन नहीं की गई हैं, बट मैंने कुछ मैक्सिमम जो हर चीज़ में हर सब्जेक्ट में यूज हो जाती है मोस्टली, तो उनके बेसिस पे कुछ टाइप्स सिलेक्ट की हैं। फर्स्ट वन इज़ द टाइम लाइन, देन प्रोसेस, कंपेरिजन एंड जोग्राफिक। इसको मैं इन्फोग्राफिक से ही आपको दिखाती हूँ इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन इज़ द, आपने देखा टाइम लाइन की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप है, तो टाइम लाइन में वेरियस एरर्स या टाइम में क्या क्या हुआ था, एक हैपनिंग्स हुई थी या कुछ इन्वेंशन डिस्कवरी, जैसे यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में दिखाया गया, तो इतने साल पहले ये हुआ ये हुआ, तो टाइम लाइन में प्रेजेंट किया गया है। अगर उसके बाद करें कंपैरिजन की, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे दिस वन, वेस्टर्न और एशियन कल्चर में कंपैरिजन दिखाया गया है। तो जब आप कोई टॉपिक जिसमें डिफरेंस बता रहे हैं तो उसको भी, जैसे हम नॉर्मल में हम डिफरेंस बताते वक्त एक टेक्स्ट एक टेबल बनवाते हैं, उसमें टेक्स्ट फॉर्म में पॉइंट्स बच्चों को लिखवाते हैं, बट अगर उसी से रिलेटेड छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लगा दें या इमेजेस लगा दें और उसके नीचे ब्रीफ सा फ्रेज लिख दें या कुछ कीवर्ड लिख दें, तो उससे वो डिफरेंस आप ऑटोमेटिकली बच्चे याद कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो वो दिमाग में कहते हैं ना छप गया है वो चीज़, तो पोस्ट ये कंटेंट इसी तरीके का है जो आपको रिटेन करता है मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है प्रोसेस इन्फोग्राफिक, जिसमें कोई भी साइंस के प्रोसेस हम बताते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें बताया हुआ है, तो ये टाइप का इन्फोग्राफिक जिसमें किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद जोग्राफिक इन्फोग्राफिक जिसमें हम जोग्राफिकली कोई डेटा सेग्रीगेटेड है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप कोई भी ग्लोबल मैप ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ कहाँ पर हुई, या इंडिया में ही डिफरेंट स्टेट्स में क्या क्या चीज़ हो रही है उसका कोई डेटा बताना चाहते हैं तो वो प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन या डेटा इन्फोग्राफिक बन जाएगा। दीज आर मेजरली फोर कैटेगरीज, इसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ योर इन्फोग्राफिक उसके अकॉर्डिंग या आप उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि इन्फोग्राफिक्स एक टाइप का विजुअल रिसोर्स है, ग्राफिक रिसोर्स है, जिसको आप क्लासरूम में अलग अलग फेजेस में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जब क्रिएट करते हैं तो आप वो डिजिटली आपका मासेस तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उससे ज़्यादा अच्छे से एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप एक जगह अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके, ताकि बच्चे की रिटेंशन उससे ज़्यादा हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, उसको यूज़ करके आप फिर क्रिएट कर सकते हैं उसका मेजर जो एजुकेशनल यूज़ है। अब इस इन्फोग्राफिक को क्रिएट कैसे किया जाए, इन्फोग्राफिक को क्रिएट करने के लिए एक ऑनलाइन टूल है जिसका मैम जी sorry to disturb you, sorry to interrupt you in between. One of the participants is saying that please explain the same with a little bit of slow pace. Okay. So, okay, जब मैं दोबारा से conclude कर रही हूँ कि हमने बहुत टाइप के resources होते हैं, जैसे विजुअल जिसमें हम ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया और अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ई कंटेंट की,
तो आज हमने जो अभी डिस्कस किया है वो एक टाइप का विजुअल रिसोर्स है जिसे हम ग्राफिक रिसोर्स बोल रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग अपने क्लासरूम्स में कई ग्राफिक रिसोर्सेज यूज करते आ रहे होंगे सालों से, जिसको हम चार्ट्स भी बोल देते हैं, ग्राफ बोल देते हैं, पिक्चर बोल देते हैं, इमेजेस बोल देते हैं। और इसी को अगर हम बात करें कि डिजिटली किस तरीके से बनाया जाए, आज हम उस बात पर चर्चा कर रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक वो ई रिसोर्स होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, कोई भी जो भी डेटाबेस जैसे क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसको प्रेजेंट करना है। तो कोई भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को अगर हम एस्थेटिकली अच्छे से इमेज लगाकर, फोटोग्राफ्स लगाकर, उसके अंदर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या आइकन्स लगाकर और कम से कम टेक्स्ट लगाकर उसको अगर हम बना रहे हैं तो वो एक इन्फोग्राफिक हो जाता है। मैंने अभी ये चर्चा की, उसके बाद ये भी मैंने बताया इसका यूज़ क्या है क्लासरूम में। आप जिस तरीके से एक चार्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट, उसी तरीके से ये इन्फोग्राफिक में भी आप एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके उसी तरीके से क्लास में जैसे जब आप पढ़ा रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद आई होप अभी थोड़ा सा ब्रीफ कंक्लूजन हो गया हो, उसके बाद हम शुरू करते हैं। इसमें मैं आराम से डेमो देके बताती हूँ। तो आज हम एक इन्फोग्राफिक टूल यूज़ कर रहे हैं जिसको नाम है ईजीली। ये एक फ्री ऑनलाइन टूल है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा आपके सिस्टम पे। और कुछ पार्टिसिपेंट्स अगर इसे मोबाइल पे ट्राई करना चाहेंगे तो मोबाइल पे थोड़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि मोबाइल का इंटरफेस जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ध्यान रखिए जब आप हैंड्स ऑन करें तो इसे कंप्यूटर या लैपटॉप पे या उस पर ही इस्तेमाल करें, अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे। तो ये एक फ्री ऑनलाइन टूल है जो इंटरनेट की मदद से ही चलेगा, तो ये ऑनलाइन ही वर्क करता है। तो आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए तब इस पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद इसको शुरू करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये शुरू होगा, उस पर काम शुरू करिए आप। फिर जो जो चीज़ें आप इस टूल की मदद से बनाते हैं वो आपके उसी अकाउंट में सेव होता रहता है, जो अकाउंट आप इस पे क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। उसके बाद जब ये बन जाता है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कहीं शेयर करने के लिए अपनी क्लास में, अपने व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये JPEG फॉर्मेट पे डाउनलोड हो जाता है फ्री अकाउंट पे, जो कि इमेज का फॉर्मेट है। उसके बाद आप इसमें अपनी खींची हुई तस्वीरें भी या इमेजेस जो आप मोबाइल से खींचे या अपनी कहीं से डाउनलोड करिए अपने फ्री इमेजेस, उस पर भी उसको भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपनी YouTube वीडियोस के URL को भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही बनेगा, ये आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बना सकते हैं, उसको करने का तरीका मैं बताऊंगी। तो ईजीली के बारे में आज हम ईजीली के बारे में करेंगे, बट इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फोग्राफिक टूल हैं जैसे कैनवा, वेनिज, पिक्टोचार्ट, विस्मे इन्फोग्राम, विजुलाइज मी। इसमें से ये वाले भी ऑनलाइन ही टूल्स हैं जिसमें जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पर सबकी कुछ खासियत भी, कुछ खामियां हैं, कुछ खासियत है, तो हम उसको देखते हुए हमने एक ही अभी वाला टूल सेलेक्ट किया हुआ इजीली। बाकी आपने अगर हो सकता है इनमें से कई लोगों ने इस्तेमाल भी किया हुआ है कुछ टूल्स, तो अगर एक भी आप टूल को यूज़ करना चाहेंगे तो ऑलमोस्ट सब में सेम फीचर्स होते हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो ईजीली जब आप शुरू करेंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, आपको एक होम पेज मिलता है। तो मैं इसको अभी डायरेक्टली हम या तो टूल पे चलते हैं या थोड़ा सा ब्रीफ स्लाइड सिखा देती हूँ पहले आपको, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए। तो सबसे पहले जब हम इजीली खोलेंगे, इजीली का जो स्पेलिंग है वो है EASELLY, सिंगल एल नहीं है, डबल एल है, तब ये वेबसाइट खुलती है। और इसमें सबसे पहले आपका एक पेज ओपन होता है जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद फिर जब भी आप खोलेंगे तो आप लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले ये पेज खुलेगा आपका, उसके बाद आप इसमें अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो अकाउंट करने के दो तरीके हैं ओपन क्रिएट करने के, एक तो आप ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करिए खुद से, नहीं तो आप क्रिएट कर अपना लॉगिन कर सकते हैं जीमेल और फेसबुक के थ्रू। इन दोनों का बेनिफिट ये है, इसके थ्रू करेंगे आप गूगल के थ्रू, जीमेल के थ्रू, तो आपको बार बार पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ेगा जो कि आप इसमें अगर डालते हैं।
तो अगर आपके पास एक जीमेल अकाउंट है बना हुआ, तो आप उसको लॉग इन करके रखिएगा अपने एक टैब में, और उसके बाद फिर इसमें यहाँ पे लॉग इन इन विद जीमेल में करिएगा, तब वो आपसे पूछेगा एक बार ही, वंस आपका एक बार पासवर्ड पूछेगा, वो सिक्योर होता है। तो ये मत सोचिएगा कि वो सिक्योर नहीं, हम पासवर्ड नहीं देंगे, बस आपको वो एसोसिएट हो जाएगा लॉग इन करने के बाद आपके जीमेल अकाउंट से। तो जब भी आप इसका लॉग इन पेज करोगे, तो आप सिर्फ लॉग इन विद जीमेल करेंगे, तो वो बार बार आपको पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जीमेल का पासवर्ड आपको याद रहता है। तो एक बार ही उसको लॉग इन करिए, और साथ वाले टैब में आप इसे ओपन करके रखिए और लॉग इन करके जीमेल के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ एसोसिएट होगा और वो खुल जाएगा। उसके बाद जब आपका लॉग इन हो जाता है, आपका आपको डैशबोर्ड नजर आता है, जो कि ऐसा होता है। शुरू में आपको माई डिजाइन में ब्लैंक दिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो जब जब आप बनाते रहेंगे, बाद में आपका ऐसा भरता रहेगा, और आपको अभी शुरू में फोल्डर्स का और ये ब्लैंक फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा। बस ये आपका डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड वो जगह होती है जहाँ पे आपका किया हुआ काम, आपका बनाया हुआ इंफोग्राफिक ऑटो सेव रहता है, मतलब उसमें सेव रहेगा जब तक कि आप अपने अकाउंट को डिलीट नहीं कर रहे हैं। और ये आप, इसका फायदा ये है कि आप कहीं भी दुनिया में है, अगर पेनड्राइव में लेके नहीं गए इसे, तो आप इसे लॉग इन करके आप उस अकाउंट के थ्रू कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप शुरू करते हैं इंफोग्राफिक बनाना, तो सबसे पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम टाइप भी बोल रहे थे जब हम बोला भी अपने टाइमलाइन प्रोसेस कंपैरिजन। तो आप इसमें से वेरियस कैटेगरी से सेलेक्ट कर लेंगे आपके टॉपिक के हिसाब से, कि आप कौन से टाइप का इंफोग्राफिक बनाना चाहते हैं। उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको ये जो बीच में है, ये टेम्पलेट मिलेंगे, जिसको हम पब्लिक टेम्पलेट बोल रहे हैं। टेम्पलेट का मतलब है आपको एक बेसिक ड्राफ्ट की हुई वो बन गई, मिल गई है आपको एक डिजिटल एक एरिया मिल गया है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट को डाल सकते हैं और अपनी इमेजेस को डाल सकते हैं, इसको हम टेम्पलेट बोल रहे हैं। उसके बाद आप टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, तब आपका ये मेन पेज खुलेगा जिसमें आपको इन्फोग्राफिक बनाना शुरू करना है। और उसके टूल बार यहाँ साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और एक ऊपर भी आते हैं। दो तरह के टूल बार आपको ऊपर और नीचे साइड में दिखेंगे जब आप उसको शुरू करेंगे। तो उसके बाद हर एक टूल का यूज मैं बताऊंगी आपको। आप टेम्पलेट को साइज भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, या अपने साइज के हिसाब से जो भी आपको कस्टमाइज करना है, A4, A3। ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब आप इसका प्रिंटआउट निकालना चाहते हैं और प्रिंटआउट निकाल के अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, कहीं बोर्ड पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तब इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो कोशिश करिए अपना शुरू में ही साइज सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से साइज का इंफोग्राफिक आप बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग ये टूल्स यूज करेंगे। और इसका मैं साथ साथ ही आपको अभी इसको स्केप करके मैं आपको लाइव टूल पे ही ले चलती हूँ। तो हमने गूगल ओपन किया सबसे पहले, और गूगल में टाइप किया इजीली। तो जो पहला ये वाला आइकन आएगा इजीली www.easel.ly, इसको आप क्लिक करेंगे। ध्यान रखिए ये ऑनलाइन टूल है, इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से काम करता है। तो अगर आपका पेज ओपन होने में टाइम लगे, इसका मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वो खराब हो सकता है, शायद इसलिए टाइम लगे। तो अब ये हमारा होम पेज खुल गया है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फ्री अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने कहा था, आप अकाउंट जब क्रिएट करें तो कोशिश करिए आप उसको अपने जीमेल के साथ एसोसिएट करें। तो जब आप साइन अप कर रहे हैं सबसे पहली बार, तो या तो आप अपना ईमेल आईडी के साथ, उसके पासवर्ड के साथ एक क्रिएट कर सकते हैं नया अकाउंट, या आपके पास अगर जीमेल अकाउंट है तो आप सीधा जीमेल पे साइन अप विद जीमेल करें। आजकल ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे, हर प्लेटफॉर्म पे ये दोनों ऑप्शन आने लगे हैं, फेसबुक और जीमेल। तो अगर मैं जीमेल गूगल पे क्लिक करती हूँ, तो आपसे ये पूछेगा कि आपका, अगर आपका एक ही अकाउंट ओपन है, मेरा साइड वाले टैब में एक अकाउंट ओपन है जिसमें मैंने इसके थ्रू एसोसिएट किया हुआ है, तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सा वाला जीमेल, अगर आपका दो चार जीमेल, दो तीन ईमेल आईडी है। पर अगर आपका एक ही जीमेल आईडी है, तो उसमें ऐसे ओपन होगा और फिर आप उसे क्लिक करेंगे और उसका, उससे वो आपसे एक बार ही पासवर्ड पूछेगा, और उसके बाद वो फिर आपसे उसके कनेक्ट होकर लिंक हो जाएगा। तो अभी क्योंकि मैंने इसमें लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है और मैं लॉगिन अकाउंट पहले से क्रिएट कर चुकी हूँ, तो उसने मुझसे पासवर्ड नहीं पूछा और मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद ये आपका जो पहला पेज खुलता है, ये होता है डैशबोर्ड। जैसे मैंने बताया, ये मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड किए हुए इन्फोग्राफिक्स हैं, और यहाँ पे इसको फोल्डर्स भी हैं, तो आप इनको मैनेज कर सकते हैं फोल्डर्स में।
अब उसके बाद हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए ये डैशबोर्ड है और ये हम टेम्पलेट पे गए। अब टेम्पलेट पे जाकर आपके पास ये पब्लिक टेम्पलेट आ गई है। इसमें यहाँ पर आप कैटेगरी देखकर अपने टॉपिक के हिसाब से उसे चुन सकते हैं, कौन सा टेम्पलेट आपको पसंद है। तो सपोज मुझे हेल्थ के ऊपर कुछ बनाना है तो मैंने हेल्थ सेलेक्ट किया, तो जो भी इसमें से टेम्पलेट होंगी फ्री सारी टेम्पलेट ओपन होगी इस सॉफ्टवेयर में, आपको पेड टेम्पलेट्स भी मिलती हैं। तो सपोज यहाँ पे क्राउन का आइकन आ रहा है, इसका मतलब ये पेड वाला है, ठीक है। तो आपको फ्री टेम्पलेट्स भी बहुत सारी अवेलेबल, तो आपको ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी फ्री वाली हो, जो फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ये लोडिंग का टाइम लगता है इस हिसाब से। अब देखिए सपोज ये वाला आपका फ्री टेम्पलेट मिला है, इस पर ऑप्शन आती है एडिट ग्राफिक और प्रीव्यू। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं कि मेरे काम का है, मैं इसमें ऐसा बना सकता हूँ, आपके दिमाग में चल रहा है कि हाँ मैंने प्रोसेस का बताया था, तो इसमें एक प्रोसेस का बता रखा है, मैनी टाइप ऑफ वेबरेजेस, ये प्रोसेस इन्फोग्राफिक है। तो कैसे ब्रेकफास्ट, लंच और अलग अलग टाइप्स बता रखे हैं एक बेवरेजेस के। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसको देख लिया आपको लगा काम का है, आप इसे बंद करके यहाँ एडिट ग्राफिक में चले जाइए। एडिट ग्राफिक का मतलब आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो जब ये आप एडिट ग्राफिक में यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब ये आपका अब टूल बार आपका एक एरिया, एक एडिटिंग एरिया ओपन हो गया है। अब आप इसे शुरू कर सकते हैं अपना इन्फोग्राफिक क्रिएट करना। तो जैसे मैंने कहा, इन्फोग्राफिक क्रिएट करने से पहले आपको आइडिया हो कि आप कौन से टॉपिक पे बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट करें और उसके बाद काम शुरू करें। तो सबसे पहले जब भी इन्फोग्राफिक लोड हो जाता है, आप इसको साइज इसका सेलेक्ट करिए, कौन सा साइज आपको लेना है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या कोई और साइज। अगर नहीं चेंज करना तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट को, इन्फोग्राफिक को टाइटल दीजिए कि सपोज टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई ऐसा टॉपिक लीजिए जिसपे आपको कोई टाइप एक्सप्लेन करना है, सपोज प्लांट्स ही लिया मैंने, तो मैं प्लांट्स के टाइप एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, तो मैंने प्लांट ही टॉपिक दे दिया, प्लांट टाइटल। तो टाइटल हो गया है। और उसके बाद ये रीडू और अंडू का बटन है जो कि ज्यादातर हर एक उसमें होता है, आपने देखा होगा। अभी यहाँ पे सेव्ड का ऑप्शन भी क्लिक आया था। ये इन्फोग्राफिक या इजीली वाला टूल जो है वो कोलाबरेट, मतलब ऑटो सेव होता रहता है, जैसे कि गूगल डॉक या गूगल शीट पे आप जब भी कोई काम करते हैं और चेंज करते हैं वो अपने आप सेव होता है। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ गायब हो जाएगी, सेव नहीं हुआ अपने आप, फिर भी आप सेफर एंड के लिए सेव को क्लिक कर दिए थोड़ी बार, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली थोड़े थोड़े सेकंड बाद इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये ऑटो सेव होता रहता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपने ये चीज़ में चेंज किया और वो गायब हो जाएगी, ठीक है। अभी उसके बाद आपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, आपने साइज देख लिया आपने चेंज करना, उसमें आपने टाइटल दे दिया। उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट वाले टूल बार पे। उससे पहले आप देखिए इस इन्फोग्राफिक पे आप कहीं भी अपने माउस से क्लिक करिएगा, तो आप जहाँ जहाँ क्लिक कर रहे होंगे आप देखेंगे एक छोटा ब्लू बॉक्स आ रहा है। इस ब्लू बॉक्स का मतलब है कि जहाँ जहाँ ये ब्लू बॉक्स आएगा, इसका मतलब इसको हम एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब है सपोज ये ऑरेंज जूस है, या मैं यहाँ यहीं टाइटल से शुरू करती हूँ, मेरे इन्फोग्राफिक का टाइटल मैंने रखा था प्लांट्स, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके प्लांट्स टाइप करूँगी तो मेरा टॉपिक चेंज हो गया। मैंने सिर्फ क्या किया है, उस पर डबल क्लिक किया है इस ब्लू बॉक्स के अंदर, और उसके बाद इसको सिंपली अपने कीबोर्ड से जैसे मैं टाइपिंग करती हूँ वैसे टाइप कर दिया। सपोज मेरा प्लांट्स का टाइप है एक हर्ब्स फर्स्ट, ठीक है। मैं अपने प्लांट्स के तीन टाइप के नाम सेलेक्ट कर रही हूँ, इसे टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ इसे। तो मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया, अभी पहले जो टेक्स्ट बॉक्सेस थे वो चेंज कर दिए। अब सपोज ये वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे सिर्फ तीन ही टाइप थे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको डिलीट कर सकती हूँ डिलीट का बटन दबाकर, टेक्स्ट को भी और इमेज को भी। तो जो जो आपको नहीं चाहिए आप उसको सेलेक्ट करिए और उसको डिलीट कर दीजिए, जो आपको चाहिए उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लांट्स का टाइप रखा प्लांट्स है, तो मुझे यहाँ पे प्लांट्स की फोटो चाहिए, तो मुझे ये सारी कोल्ड ड्रिंक की फोटोग्राफ्स हटा के अपने टॉपिक के हिसाब से फोटोग्राफ्स या इमेजेस डालनी है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ सबसे पहले ग्राफिक में जाऊंगी,
ग्राफिक में हमारे पास 5 टाइप की चीजें होती है, जिसको हम फर्स्ट वन को बोलते हैं आइकन। आइकन मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, छोटी छोटी इमेजेस आप देखेंगे ये डली हुई हैं। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो मेरा टॉपिक सपोज प्लांट वाला है, तो मैं कुछ अगर देखूंगी मेरे पास प्लांट्स का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, मैं ढूंढ सकती हूँ कि अगर कुछ है कि नहीं, तो अगर प्लांट्स का मिलता है या सर्च कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। अभी प्लांट्स का नहीं है कुछ, और अगर मैं देखी उसके हिसाब से, यहाँ पे मुझे एग्रीकल्चर का दिखा था सपोज, यहाँ पे हुआ, तो मेरे पास अभी रेलेवेंट इमेज नहीं है अभी तो फिलहाल, पर मैं अपलोड कर सकती हूँ, बताऊँगी कैसे। फिलहाल अगर मुझे ये सिलेक्ट करनी है, सपोज ये कैरेट है, तो अगर मैंने ये सिलेक्ट कर ली है, ये कैरेट यहाँ पर आ गई है, मुझे कॉफ़ी को हटाकर इसको डिलीट किया मैंने, और इस कैरेट को मैंने ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आई अपने कंप्यूटर की मदद से, माउस की मदद से। तो आप चीज़ों को हिलाकर इधर उधर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आप उनको डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे ये वाली इमेज ठीक, इसको मुझे छोटा करना है, तो मैं इसको छोटा कर सकती हूँ, जैसे वो जो ब्लू बॉक्स आ रहा है उसको ड्रैग करके। तो इन साइज, इन इमेजेस को मैं रीसाइज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ग्राफिक में जो स्मॉल इमेजेस होती हैं, आइकन्स होते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, वो बहुत सारी कैटेगरी के हैं। तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से ये वाली फोटोज को हटा कर कोल्ड ड्रिंक की आप अपने टॉपिक के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है फोटोज, फोटोज की भी इसमें बहुत सारी गैलरी है, ये भी डिपेंड करेगा इसमें भी कि आपको कौन सी फोटो लेनी है। सपोज ये एग्रीकल्चर की फोटो ही है, तो मुझे अगर ये फोटो पसंद है तो मैंने इसको क्लिक किया और ये फोटोग्राफ भी यहाँ पे लोड हो जाएगी। ये अभी बड़ी है तो मैं इसको छोटा करूंगी, सपोज छोटा किया, इसको उठा के मुझे इस वाले बॉक्स में रखना है सपोज यहाँ पर, ठीक है। तो पीछे वाले जो कोल्ड ड्रिंक की फोटो थी मैंने हटा दी और इसको यहाँ पे सेट कर दिया। तो अभी उसके बाद ग्राफिक्स में आपकी एनिमेशंस हैं, एनिमेशन में छोटी छोटी GIF इमेजेस होती हैं, छोटी छोटी एनिमेशंस हैं, तो इसमें से अगर कोई एनिमेशन या GIF आपको चाहिए वो भी आप सेलेक्ट करके ला सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रखा है, तो ये मूव वाली इमेज होगी, मूविंग इमेजेस, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट करके ये भी रख सकते हैं। उसके बाद अपलोड में हम इसमें अपनी कंप्यूटर से इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए, जब भी कुछ आप अपलोड करें तो सबसे पहले तो अगर वो कंप्यूटर से आपको अपलोड करनी है इसमें, तो वो इमेजेस जो आप अपलोड करना चाहते हैं, एक तो वो फ्री मतलब वाली हो, जिसमें क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली हो, या आप अपने ही मोबाइल से खींची हुई फोटोग्राफ्स को अपलोड करेंगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आपका कॉपीराइट के इश्यूज में आप आ सकते हैं। तो कोई भी इंफोग्राफिक क्रिएट करते हैं आप, जब उसको शेयर करेंगे पब्लिकली, तो वो कॉपीराइटेड चीज़ें ना हो, तो आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं ब्राउज करके कंप्यूटर में जाकर। तो आपके कंप्यूटर में जो भी इमेजेस होंगी, आप वो पर्टिकुलर गैलरी में जाकर, सपोज मेरे पास ये वाली इमेज है और इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारी अपलोड हो जाएगी हमारे अकाउंट की गैलरी में। तो आप देखिए, ये एक इमेज मैंने अपने कंप्यूटर से अपलोड करी, इसको मैंने साइज छोटा करके इसको भी मैं यहाँ ला सकती हूँ। तो आप, और जो आप इमेज अपलोड कर लेते हैं पहले भी, वो आपकी गैलरी में सेव रहती हैं, आपके अकाउंट की गैलरी में, तो उसको आपको कभी दोबारा इस्तेमाल करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आखिर में आती है छोटी सी मैम, जस्ट अ सेकंड, किसी ने लिखा है स्क्रीन इज नॉट विजिबल, यूपी से रेशु सिंह जी, कोई प्रॉब्लम है क्या या शायद आपकी कनेक्टिविटी लो है, क्योंकि मेरे को भी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे। रेशु जी कोई इशू है तो आप प्लीज फिर से चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चैट बॉक्स में अभी अटेंडेंस का लिंक शेयर किया है, सभी लोग पैरेलली अपने अटेंडेंस मार्क कर दें। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। तो आप लास्ट वन इज अंडर ग्राफिक्स लाइंस, अगर आप किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं किसी टॉपिक और इमेजेस को, तो आप लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो आपकी एक लाइन भी ड्रॉ हो सकती है। तो अगर आप कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, कोई एसोसिएटिंग लिंक्स बताना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स आती हैं। अब ये सब चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड करी, जैसे गाजर कैरेट को ऐड किया, ये पिक्चर को ऐड किया, GIF को, आप जब इसको क्लिक करेंगे या लाइन को, आप देखेंगे ऊपर भी एक टूल बार आ जाता है। मैं उस टूल बार का मतलब बताती हूँ, ज़्यादातर ऑलमोस्ट सेम होते हैं उसमें टूल। सपोज एक कैरेट थी, इस कैरेट को मैंने जब सेलेक्ट किया तो ये वाला टूल बार ओपन हुआ। इसमें आप देखेंगे पोजीशन है, लॉक है, ओपेसिटी है। तो अगर आप किसी की पोजीशन को फिक्स करना चाहते हैं, सपोज
यहाँ पे लॉक की बात है, ये लॉक हो गया, छोटा सा एक लॉक बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये इंफोग्राफिक मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ विद एडिटिंग राइट्स या अपने कलीग्स के साथ, तो वो इसकी पोजीशन को हिला नहीं पाएंगे। क्योंकि कई बार अगर आप चाहते हैं कि इस इंफोग्राफिक में आपने एक छोटा सा टॉपिक एंटर कर दिया और चाहें आप अपने बच्चों को देखकर इसका लिंक ये बोलें कि आप इसे एडिट करके इसको कंप्लीट करिए, तो ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी हो सकती है। तो उसमें आप अगर शेयर में जाते हैं सपोज, तो इनवाइट अ फ्रेंड टू एडिट, मतलब आप उसका ईमेल डालेंगे, उसके पास ये पहुंच जाएगा, वो इसको खोलेगा और वो इसको एडिट कर सकता है। तो अगर वो इसको एडिट कर रहे हैं, दो तीन लोग मिलके एडिट कर रहे हैं, तो कोई चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से इसकी पोजीशन को। तो हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ इसी कैरेट में मुझे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कोई URL डालना हो या कोई लिंक डालना हो, वो भी मैं डाल सकती हूँ। जैसे कि ये कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई सॉरी सपोज मैंने ये यूट्यूब का एक URL को कॉपी किया और मैं इस यहाँ पे इसको एंटर कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ और अप्लाई करती हूँ, तो इस वीडियो को भी देखा जा सकता है इसको क्लिक करके। साथ ही साथ अगर इसको लेबल करना है, टैग लगाना है, जैसे क्या है मैं बताना चाहती हूँ, ये कैरेट है, मैं लेबलिंग भी कर सकती हूँ। तो उसके साथ साथ इसको कॉपी और डिलीट भी किया जा सकता है। सपोज इस कैरेट की मुझे मल्टीपल कॉपी बनानी है, तो मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जो कि शॉर्टकट है कॉपी पेस्ट के, वो बना के मैं इसकी कॉपीज भी बना सकती हूँ। तो ये सब ऊपर वाले टूल बार के यूजेस हैं कि आप उसको और अच्छे से, जब आप शेयरिंग राइट्स दें तो ध्यान करें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बच्चे को देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं विद अ सिंगल इमेज। उसके बाद बात करते हैं हम टेक्स्ट की। सपोज ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हमें गलती से ही हमसे डिलीट हो गया सपोज, और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दोबारा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ला सकते हैं। अगर आप बुलेट चाहते हैं, बॉडी चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो बॉडी ऑफ टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको मैंने डबल क्लिक किया, डिलीट किया और कुछ भी टाइप कर दिया। तो ऐसा बहुत बार ही हो जाता है कि हमें या तो नया टेक्स्ट बॉक्स चाहिए या ये वाला गलती से डिलीट हो गया, तो हम टेक्स्ट में जाकर नया टेक्स्ट बॉक्स भी ला सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, सपोज अभी एक सिंपल कलर है, अगर मुझे टेक्सचर चाहिए पैटर्न तो टेक्सचर कर सकती हूँ मैं। अगर कलर पैलेट चाहिए मुझे तो मैं कलर पैलेट भी लाकर इसका पूरा बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे अपना कोई बैकग्राउंड अपलोड करना है, सपोज प्लांट्स का टॉपिक है और मुझे पूरा कोई प्लांट्स का बैकग्राउंड लाना है, तो कंप्यूटर से मैं प्लांट कोई भी बैकग्राउंड पूरा ग्रीन कलर का लाकर, प्लांट्स वाला जैसे मतलब किसी फील्ड का लाकर वो मैं पूरा बैकग्राउंड चेंज कर सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ। उसके बाद टेम्पलेट्स हो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही, हमने टेम्पलेट सेलेक्ट करी हुई है, पर इनकेस आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे इस टेम्पलेट से, तो आप टेम्पलेट भी दोबारा चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से हम सबसे पहले हमने टेम्पलेट सेलेक्ट की थी, उसी तरीके से हम कैटेगरी में जाके चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी। तो अभी अगर सपोज आप देख रहे हैं, मैंने इसमें इमेजेस ऐड करना बताया आपको, टेक्स्ट ऐड करना बताया, ये जो साइंस ये लाइंस वगैरह एरोज ये बनानी बताई। अब हम बात करेंगे डेटा अगर हमें डालना हो या कोई वीडियो डालनी हो इसमें। एक तो वीडियो डालने का तरीका है, मैंने इसको यहाँ पे लेबल कर दिया है, इसमें URL डाल दिया है, ठीक है, लिंक डाल दिया है। दूसरा तरीका है इसमें अलग से वीडियो को पूरा ही डालना, या तो लिंक है, अगर वीडियो पूरा डालना चाहते हैं तो कैसे आएगी, तो मैं इसके दूसरा पेज लेके जा रही हूँ। ये अभी हमें इंफोग्राफिक का एक ही पेज बना है,
बट अगर सपोज आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए या मैगजीन फॉर्म में या ब्रोशर फॉर्म में, तो आप एड न्यू पेज भी कर सकते हैं। ये मेरे इंफोग्राफिक का दूसरा पेज आ गया है, ये पहला था और ये दूसरा, ये ब्लैंक पेज लिया है मैंने कभी। इसमें हम आपको बताएंगे चार्ट्स कैसे लाएंगे आप। चार्ट्स जो हैं दो टाइप के आते हैं, बार या लाइन ग्राफ या पिक्टोग्राम। ये वाला आप बार ग्राफ देखेंगे, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे ये बार ग्राफ आ गया ऑटोमेटिकली। अब आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस है, डेटाबेस ग्राफ है जिसको हम एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे, आप अगर चाहते हैं डेटा को यहीं पे एडिट करना यहाँ पर, तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको चेंज कर रही हूँ 1, 2, 3, तो एक ग्राफ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेंज हो गया देखिए वैल्यू के हिसाब से। अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके रोज और कॉलम्स या डेटा कुछ और ज़्यादा है तो आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। आपसे वो पूछेगा कि कौन सी वाली एक्सेल शीट का डेटा आपको चाहिए, तो आप उस डेटा को ला सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ बना हुआ मिल जाएगा। जब आप लास्ट में अप्लाई चेंजेस कर देंगे तो वो चेंज आपको सामने दिख जाएगा। उसी तरीके से चार्ट्स में पिक्टोग्राम भी होता है। पिक्टोग्राम में सपोज मैंने सिंगल मनी आइकन्स वाला सेलेक्ट अगर हम कर रहे हैं, इसमें भी आपको अलग अलग टाइप के दिखेंगे, क्या बनाना आपको कैटेगरी क्या चाहिए उसके हिसाब से आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और ये आपका यहाँ पे पिक्टोग्राम आ जाएगा। इसमें आप जो वैल्यूज जानना चाहते हैं वो ऊपर रहेंगे, कितने रोज आप रखना चाहते हैं, सपोज 6 रोज बनानी है, आपको कितने कॉलम्स रखने हैं, 5 रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा आप चेंज करेंगे। इसका कौन सा कलर फिल रखना है आपको, कलर चेंज कर सकते हैं दोनों के फ्लावर्स के, यहाँ पे येलो और ब्लैक है, दूसरे कलर्स ला सकते हैं। कितना फिल रखना है, कितना परसेंटेज आपको फिल रखना है, उतना परसेंटेज आपका फिल हो जाएगा। तो ये पिक्टोग्राम प्रेजेंट करने का तरीका, डेटा प्रेजेंटेशन का दूसरा फॉर्म है हाउ टू मेक अ पिक्टोग्राम। इसका भी समीन आप इस सेम वे आप पोजिशन को लॉक कर सकते हैं, ओपेसिटी वगैरह कलर ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद एट लास्ट यहाँ पर है वीडियोस का आइकन, तो वीडियोस में आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो जो है उसके यूआरएल को आप कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं। ध्यान रखिए जो भी आप चीज़ें इंटरनेट से ले रहे हैं एक तो वो कॉपीराइटेड ना हो, वीडियोस भी आप सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखिए, क्योंकि अगर वीडियो आपने यूट्यूब की कोई कॉपीराइटेड वाली ली और आप इंफोग्राफिक में डाल रहे हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कॉपीराइट में ही आ जाता है। अभी वीडियो यहाँ पे छोटी वीडियो रखिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो क्योंकि ये ऑनलाइन टूल है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी अगर 30 मिनट की सपोज तो बहुत ही टाइम लगेगा लोड होने में, और ये आपके उसमें रहती है डैशबोर्ड में, तो उससे भी आपका अकाउंट भी हैवी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वीडियो को ले आए, यहाँ पे लोड हुई पहले, आपने इसको सेलेक्ट किया और ये वाली वीडियो आपकी आपके इन्फोग्राफिक में आ जाएगी। आपको वीडियो अभी दिखेगी क्योंकि वो लोड हो रही है, यहाँ पे लोड हो गई। अब वो जहाँ आपके इंफोग्राफिक में प्ले का आइकन आएगा और फिर वो उसके अकॉर्डिंग आप इस इंफोग्राफिक में वो वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि वीडियो का बॉर्डर नहीं होता ना, तो उसकी वजह से वो ये रहा, ये दिस वन प्ले का आइकन दिखा, दिस इज द वीडियो। अभी मैं इसको यहीं पर सेट कर रही हूँ और प्ले का बटन दबा रही हूँ, तो वीडियो प्ले होनी शुरू हो जाएगी। तो आप कहीं और भी रख के दिखा प्ले कर सकते हैं, पर अभी लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर प्ले होनी शुरू हो जाएगी अभी वीडियो। तो आप इसको वीडियो को भी इसमें एम्बेड कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस का यूआरएल, वीडियोस अपलोड नहीं हो पाएंगी, पहले इसमें ऑप्शन था पर अभी वो खत्म हो गया है। तो वीडियो जब तक चल रही है तब तक हम देखते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा था, एट लास्ट यू कैन क्लिक ऑन वंस ऑन सेव अगेन, तो ये सेव भी सेफर एंड के लिए आपको लगता है अगर सेव नहीं हुआ तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, जब ये सब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर आप इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। फाइनल हमारा 2 पेज का इंफोग्राफिक बना है, तो ये 2 पेजेस आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आप इसे एग्जिट करने के बाद, अब आप बनाने के बाद आप इसको शेयर करना चाहते हैं, देयर डिफरेंट वेज ऑफ शेयरिंग। फर्स्ट एक कोलैबोरेटिव फॉर्म जिसमें कि आपका इनवाइटर फ्रेंड जो एडिट कर सकता है इसे, उसके बाद ईमेल के थ्रू शेयर करेंगे,
अब इस एक्टिविटी के बाद जब आप इसको हैंड्स ऑन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा आप शेयरेबल लिंक को शेयर करिएगा, क्योंकि आपने अगर डायरेक्ट ऊपर यूआरएल कॉपी कर दिया तो वो लोग इसे एडिट कर पाएंगे, तो इसलिए आप ये वाला लिंक जो है वो कॉपी करके शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में या असाइनमेंट के लिए। तो आप शेयर करिएगा शेयरेबल लिंक के थ्रू, आप अलग अलग वेज में भी शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ब्राउजर कोड एम्बेड कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स में, तो वो सब चीज़ें भी पॉसिबल है। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करिए लास्ट में जब कंप्लीट हो जाता है। डाउनलोड में लो क्वालिटी वर्जन आपको फ्री अकाउंट में अवेलेबल है, तो आप लो क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो ये जेपीईजे फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। जेपीईजे फॉर्मेट में डाउनलोड होने का मतलब है कि जो वीडियोज या जीआईएफ है ये वाला काम नहीं करेगा आपका यूआरएल, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप इसको जब डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर में अपने सेव करिएगा, और जब आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा तो आप इसको एक इमेज फाइल की तरह कहीं भी शेयर कर सकते हैं, वो एडिट नहीं होगी और उसमें वीडियो प्ले नहीं होगी, मतलब उसकी इंटरएक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। जब ये पूरा बन गया, आपको लग रहा है कि आपने डाउनलोड भी कर दिया, आपने सबके साथ शेयर भी कर दिया है, उसके बाद आप अगर देखना चाहते हैं इसे वापस कभी इन फ्यूचर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप अपने होम पेज में जाएंगे, जब अपने डैशबोर्ड में जिसे हम कहते हैं बैक पे जाकर, तो वो आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा। तो ये जो डैशबोर्ड की हमने बात की थी यहाँ पे आपके ऑटो सेव होते रहते हैं सब। तो अगर आपको बच्चों को लाइव क्लासरूम में इसका डेमो देना है तो आप इसकी अंदर जो वीडियोस वो काम करना चाहिए तो वो आपको इसको खोल के बच्चों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। दोबारा से इसको एडिट करना चाहते हैं फिर एडिट पर जाइए और फिर एडिट कर सकते हैं। तो जब भी आपको फ्यूचर में उसी इंफोग्राफिक में कोई चेंज करना है, कोई कंटेंट, कोई इमेज, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं एडिट करके बार बार, तो वो एडिटेबल मोड में हमेशा रहेगा यहाँ पर आपके डैशबोर्ड में। आप इसको फोल्डर्स के अंदर डाल के फोल्डर्स में मैनेज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट या चैप्टर के अकॉर्डिंग। और एक और बात जो रह गई थी उसमें, अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज में डालना चाहते हैं कंटेंट सपोज, तो अगर आपको डालना है तो आप गूगल इनपुट टूल में जाकर जो भी अपनी भाषा का इस्तेमाल करके आप उसमें चाहते हैं डालना, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सपोज पौधों के बारे में हमने पढ़ा तो पौधे हमने टाइप करा यहाँ पे और पौधों को कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर देंगे तो वो पौधे वर्ड वहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा सकती हूँ। तो किसी और भाषा में अगर आप बना अगर हिंदी में बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, पर थोड़ी मेहनत बस ये है कि आपको जो भी हिंदी वाला कंटेंट है वो कहीं और से कॉपी करके इसमें डालना पड़ेगा, तो इसलिए आपको उसको पेस्ट मारना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आपने किया है तो हिंदी में भी हो जाएगा, तो आप वैसा भी बना सकते हैं। आई थिंक बस अभी मेरी एंड से ये वाला हो गया है। अगर आपको अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। मोनिका मैम यहाँ तक कोई और मतलब अभी आगे बंद डेमोन्स्ट्रेशन अगर कोई डाउट है तो अभी पूछते, नहीं तो हैंड्स ऑन सेशन में वो करके पूछ लेंगे जितना भी सबको जैसे आया है। कुछ डाउट्स जो एक्सपेक्टेड होते हैं उसके आंसर या तो मैं अभी दे देती हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि फोटोग्राफ सपोज रेक्टेंगल है उसके फॉर्म में है, मुझे सर्कल के अंदर सेट करनी है, तो आप इसको यहाँ पे क्रॉप नहीं कर पाएंगे इन इमेजेस को, आपको क्रॉप करके दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें डालना पड़ेगा ना, इसी शेप में आती है फोटोग्राफ। तो ये यूजुअली डाउट आता है सबको। Some of the participants have asked few questions. Yes. Like from Punjab, Mr. Satwan Singh has asked what to do if we want different backgrounds on different pages of the template. नहीं, जो background है वो एक ही रहेगा सभी pages पे, अगर आपने एक बार ही कर लिया है तो। एक if I'm selecting, अगर मैंने यहाँ पे background में कुछ और background किया है suppose this one, तो वो सभी pages में same रहेगा। Okay, there is another question from UP. Mr. Ashutosh Kumar has asked, is it allowed for multiple column sheet of Excel?
मल्टीपल कॉलम, हाँ आपको बताया जो चार्ट्स में आप डेटा इंपोर्ट अपना इंपोर्ट करेंगे इसमें, उसको मल्टीपल कॉलम्स भी आएंगे तो एक्सेप्टेबल है। तो अभी हमने एक ड्राफ्ट जो है वो लिया है, जो डिफॉल्ट ग्राफ है, तो यू गो टू एडिट और यू कैन इंपोर्ट योर डेटा, योर ओन डेटा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम चंडीगढ़, शैली मैम हैज आस्क्ड, मैम फॉर हाउ लॉन्ग वी कैन यूज इजीली फॉर फ्री, means without upgrading to pro, as she had created account last year. Mm-hmm. But as of now, if she is trying to add new templates, it is showing firstly unlock or upgrade to pro. That means she has to delete the previous account and has to create a new account again for free access. देखिए आप मतलब जो भी account create हुए, suppose मेरा ही account almost मोर देन 4 ईयर्स हो गया है, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आपने जो टेम्पलेट सेलेक्ट करी है वो प्रो वाली हो, इसलिए वो उसको अलाउ नहीं कर रहा हो, तो सेलेक्ट द फ्री टेम्पलेट ओनली। हाँ डेफिनेटली टाइम के साथ, क्योंकि डिमांड ऑनलाइन टूल्स की बहुत इंक्रीज हुई है, तो मोस्टली पीपल मतलब जो यूज फ्री करना चाहे थे लोग, तो वो अपग्रेड करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पेड की तरफ जाएं, तो इसमें भी काफ़ी टेम्पलेट्स अभी पेड में हो गई है, बट फ्री वाली आपके सामने मैंने अभी एडिट किया एंड माई अकाउंट इज लाइक डेट ऑलमोस्ट मोर देन 4 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे ऐसा लगता नहीं, फिर भी आप एक बार चेक करिए द टेम्पलेट व्हिच यू हैव सिलेक्टेड इज द पेड वन और द फ्री वन। ओके मैम, देयर इज अनदर क्वेश्चन, मिस्टर मोहम्मद मुस्तफा कमल हैज आस्क्ड फ्रॉम लद्दाख, ही हैज आस्क्ड हाउ टू ऐड वीडियो। वीडियोस कैन बी ओनली यूआरएल ऑफ द वीडियोस, YouTube वीडियोस कैन बी एडेड इन दिस इंफोग्राफिक, सो यू कैन नॉट अपलोड द वीडियोस। Loading, after loading, select the video and it will come here. Then you just select and it will appear on your infographic. And next question. Just a second. One of the persons from Uttarakhand has asked, ma'am, how to create new page. New page, okay. Infographic, यहाँ पर लाइक आफ्टर द एंड ऑफ इन्फोग्राफिक वन, लाइक डन वन पेज इज हियर, द सेकंड पेज इज हियर, एट लास्ट हियर ऐड न्यू पेज, यू हैव जस्ट क्लिक इट दैट, द पेज विल बी एडेड। ओके, अनदर क्वेश्चन इज बाय रीमा शर्मा, मिस रीमा शर्मा फ्रॉम पंजाब, शी हैज आस्क्ड मैम कैन वी अप्लाई एनिमेशंस ऑन दैट। एनिमेशन ओनली अगेन, द एनिमेशन प्रोवाइडेड इन द GIF फॉर्म इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, not any other animation can be uploaded. So isme you have got various categories, you select as per your categories aur uske according you can take the free one whatever available. There is another question from Uttarakhand again, kya seedhe template mein hindi mein type nahi kar sakte hain? If you know typing you can try. Okay, another question again from Uttarakhand, वीडियो सहित कैसे शेयर करें? वीडियो सहित कैसे शेयर करें? फिर से क्वेश्चन है? नहीं, आई थिंक वो क्वेश्चन ये है कि इसका जो स्लाइड है वो शेयर करें, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि जो सारी स्लाइड्स हैं इसके लिए जो मैम ने स्टार्टिंग में दिखाई थी वो हमारे CIT के वेब पेज पे हैं, उसका लिंक मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था, तो आप वहां पे जाके सारी स्लाइड्स देख सकते हैं, वहां नाम भी क्लियरली मेंशन आपको दिख जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आई थिंक मोर क्वेश्चंस दीप्ति जी विल कम आफ्टर वंस दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, सिंस नाउ इट इज इट सीम्स दैट थिंग्स आर गेटिंग टू रिपीट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, सो नाउ वी विल First of all, I'll thank you, Dr. Deepthi, for this presentation and demonstration of the tool. We will request you to be with us for the next session also, so that when we are practicing
ourselves and creating the infographics, and our question arises, you can just guide us regarding that. For the next demonstration, now I will invite Dr. Gulshan Mufid. She will take us through concept mapping, the idea of concept mapping, and then she will also demonstrate a concept mapping tool. She will also maybe briefly explain what other tools are available to us, and one of the tool which she is demonstrating, she will give a complete demonstration, at least for the basic aspects of the tool, and then you will practice both the softwares, and whatever queries you have will be answered by both the resource persons we have today. So I'll now request Dr. Gulshan Mufid to unmute herself, and if possible, she can switch on the camera also. I hope by the time ma'am is unmuting her and trying ready with her presentation, I just wanted to ask if you have marked your attendance. If you have not marked, I'll request Mr. Alok to share the link again in the chat box so that everybody can mark the attendance. It will get closed by the closing of this session. So attendance sheet will get closed, and do not click on any other button like captcha or something. Directly submit the attendance sheet. You will not face any technical difficulty. I think some people are wrongly clicking on the captcha thing, which is not applicable here. Just a second. Hello. Host, kindly please unmute Gulshan Mufid ma'am. She is not able to unmute herself. Please help her. Ma'am, she is already unmuted, and I have. She has logged in from two IDs. I think one you have given the rights. The other also, if you could just give. Correct. ओके सुमन मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुलशन मैम से कि वो थोड़ी स्पीड अपनी स्लो रखें, फिर भी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आपके साथ हैं टू गाइड यू एंड हेल्प यू रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. गुलशन मैम, द राइट्स हैव बीन गिवन टू यू. हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मोनिका मैम. वेलकम डॉक्टर गुलशन. सो शी इज सीनियर कंसल्टेंट इन सीआईटी एंड शी विल टेक अस थ्रू द कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल. फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल टेल अस अबाउट द कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड देन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टूल. मैम प्लीज ट्राई टू स्पीक इन बोथ, मोस्टली इन हिंदी, लेस ऑफ इंग्लिश, बट या बोथ द लैंग्वेज विल वर्क, एंड पेस अ लिटिल स्लो बिकॉज इट इज न्यू सॉफ्टवेयर टू एवरीबडी फॉर दैट. थैंक यू. थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू एवरी वन फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस सेशन. इससे पहले आपका सेशन हुआ इन्फोग्राफिक का, जो डॉक्टर दीप्ति ने लिया, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी सेशन था वो. इसी से रिलेटेड हमारा अगला टूल है, बिकॉज हम लोग यहाँ जुड़े हैं, हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग एजुकेटर्स हैं, पढ़ाने से हमारा ताल्लुक है. तो जिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर एक्सप्लेनेशन पहले आपको मैं समझाऊंगी और फिर उसके बाद हमारा हैंड्स ऑन सेशन होगा. तो एक सेकंड बस मैं स्टार्ट करती हूँ स्क्रीन शेयर. I hope visible है ये सबको. Yes ma'am, it is visible. ठीक है, तो आज हम जो discuss करेंगे वो करेंगे creating concept maps using view. Concept map होते क्या हैं? तो सबसे पहले chat box में मुझे आप लोग बताइएगा कि concept map से आप लोग क्या समझते हैं. मैं वैसे चैट बॉक्स नहीं देख पा रही हूँ. मोनिका मैम, कोई आंसर आ रहा है क्या? अभी नहीं आया है, as soon as it comes, हाँ, मैं बताती हूँ. हाँ हाँ ठीक है ठीक है.
तो कंसेप्ट को मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है अपनी प्रेजेंटेशन में. इसको हमने लिखा है, कंसेप्ट्स आर डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जनरल नोशंस दैट अकर्स इन माइंड. कंसेप्ट ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, ये जनरल नोशंस हैं जिनको हम वर्बली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज इट अकर्स इन आवर माइंड. हमारे माइंड में तो है. कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनको हम दिखा के नहीं समझा सकते बच्चों को. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कुछ यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल, जैसे ब्रेवरी है. ब्रेवरी एक वैल्यू है. इसको अगर हमें समझाना है तो हम बच्चों को एग्जाम्पल्स देंगे. जो भी ब्रेव पर्सन हैं, कुछ स्टोरीज हैं, उनके थ्रू हम बताएंगे कि ब्रेवरी क्या होती है. कुछ महान पुरुषों के बारे में, जो बहादुर लोग थे, जो गाथाएं हैं हमारी, उनको सुना के हम सिखाना चाहेंगे बच्चों को कि ब्रेवरी क्या क्या चीज होती है, क्या कंसेप्ट है वो. ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो है डांस फॉर्म्स का, कि भारत में कितनी तरह की नृत्यशालाएं हैं, कितने प्रकार के नृत्य हैं. हर स्टेट का अपना अपना अलग एक नृत्य है. तो उसे अगर हमें समझाना है बच्चों को, तो हम पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाएंगे कि इस स्टेट में जो भी पिक्चर, यानी कि एक पर्टिकुलर नृत्य में किस तरह का वेशभूषा पहनता है जो होता है, नृत्य करता है, वेशभूषा की फॉर्म में हम समझा सकते हैं, या फिर उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं जिनको समझाने के लिए हमें कंसेप्ट मैप की जरूरत पड़ती है, और कंसेप्ट मैप के थ्रू हम ज्यादा क्लियरली किसी भी कंसेप्ट को या अवधारणा को जो है समझा सकते हैं. तो इसको अ फ्यू आंसर्स आर देयर, तो मैं रीड आउट कर देती हूँ. पहला है दिस इज लाइक माइंड मैप, सेकंड इज आइडियाज, वेरी गुड, एंड इट इज अ सॉर्ट ऑफ फ्लो चार्ट यूजिंग मैप टू मेक अ कॉन्सेप्ट क्लियर, जो आप भी कह रही हैं. डिस्क्राइबिंग एनी कॉन्सेप्ट थ्रू मैप्स. When abstract answers are given some shapes through flow chart. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने. Similar answers. एक answer है a diagram or graphical tool visually represents relationship between concepts and ideas. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ये graphical presentation ही होता है, जैसे कि हमने बताया ना concept map. तो जब हम map की बात करते हैं तो हम उसे map, किसी भी concept को map की form में ही सिखाते हैं. और कंसेप्ट मैप को, जैसे कि आप लोगों ने अभी आंसर दिया, ये डायग्रामेटिकल एक प्रेजेंटेशन होता है कंसेप्ट का, और फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है. और इसको बनाने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी है, जिसका भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो है वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट. तो आंसर आपके बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, कंसेप्ट मैप होता क्या है और ये बनता कैसे है, क्या क्या इसके कॉम्पोनेंट्स हैं. कंसेप्ट मैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक मेन आइडिया, यानी कि मेन कॉन्सेप्ट. मेन कॉन्सेप्ट जिसको आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अपने स्टूडेंट्स को इजियर फॉर्म में, उस मेन कॉन्सेप्ट को इजी टर्म्स में ब्रेक करके, यानी कि सब कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी मेन आइडिया को. तो यहाँ डेफिनेशन मैंने एक लिखी है, और आप डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज कैसे होता है, तो क्लाइमेटिक चेंज के हमने बता दिए हैं कॉजेस, बता दिए हैं कि क्या इसके कारण हो सकते हैं. इसके कारण हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, कि क्लाइमेट में चेंज अगर आ रहा है तो उसके कारण है कि जो मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो हो सकती हैं, कि पेड़ों को काटा जा रहा है और रिवर्स को खत्म करके जो है वहाँ बिल्डिंग्स बनाई जा रही है. तो बहुत बड़ा कारण है कि हम ह्यूमंस खुद भी हैं क्लाइमेटिक चेंज के. दूसरा हम बता रहे हैं नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस, जो कुदरती चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट में. फिर हमने बताया है, अगर आप देखें एक एरो जा रहा है हमारा यहाँ एविडेंस पे, क्या क्या एविडेंसेस हैं क्लाइमेटिक चेंजेस के, और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के. तो ये कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है, कि जिससे ये क्लियर हो सके कि कंसेप्ट मैप बनता कैसे है. अब अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझा रहे हैं, वो है क्लाइमेट चेंज, और ये जुड़ा हुआ है इन एरोज की हेल्प से. तो ये एरोज जो होते हैं ये शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मेन कॉन्सेप्ट एंड द सब कॉन्सेप्ट, और फिर आगे ये फर्दर डिवाइड हो गया है सब कॉन्सेप्ट्स में, अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में इसको ब्रेक कर दिया है, ताकि और इजियर फॉर्म में, इजियर तरीके से बच्चा जो है किसी भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ सके. और ये कॉन्सेप्ट मैप का यूज हम कहाँ करते हैं
ऑब्वियसली हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो करते हैं, लेकिन इसे हर सब्जेक्ट में हम यूज कर सकते हैं. ये लैंग्वेजेस में भी यूज हो सकता है, साइंस एंड मैथमेटिक्स में भी यूज हो सकता है, क्योंकि बच्चे को जब कोई चीज क्लियर करनी होती है तो फिर वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. किसी बच्चे को इंग्लिश में ग्रामर में बहुत ज्यादा समझने में प्रॉब्लम होती है, ग्रामर थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो ग्रामेटिकल ग्रामर अगर सिखाना है बच्चे को तो उसमें हम कंसेप्ट मैप का यूज कर सकते हैं. साइंटिफिक टर्म्स अगर सिखानी है, साइंटिफिक चेंजेस अगर सिखानी है, तो कंसेप्ट मैप का हम यूज कर सकते हैं. तो कंसेप्ट मैप begins with the main idea and then branch out to show the relationship between different ideas. यही मैंने समझाने की कोशिश की है इस डायग्राम में. इसके components क्या होते हैं, जैसे कि आपने अभी चैट बॉक्स में बताया कि concept map बनाने के लिए क्या क्या components की जरूरत है. तो इसके जो components हैं वो अभी हमने बताया. एक main concept हम दिखाते हैं. main concept को हम किसी भी शेप पे दिखा सकते हैं, वो सर्कल भी हो सकता है, वो ओवल शेप भी हो सकता है, वो बॉक्स की फॉर्म में भी हो सकता है. और इस मेन कॉन्सेप्ट को जो हम ओवल फॉर्म में दिखा रहे हैं, सर्कल की फॉर्म में दिखा रहे हैं या बॉक्स की फॉर्म में दिखा रहे हैं, उसे कहा जाता है नोड्स, NODES, नोड्स, नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट. अब इन नोड्स को हम कनेक्ट करते हैं सब कॉन्सेप्ट से, और वो जो कनेक्टिंग लाइन्स होती हैं वो दिखाती है रिलेशनशिप बिटवीन द मेन कॉन्सेप्ट एंड द सब कॉन्सेप्ट. और इन एरोज को क्रॉस लिंक्स भी कहा जाता है. तो इधर एक और डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है सब कॉन्सेप्ट से. तो एक सेंट्रल आइडिया होता है जिनको कनेक्टिंग लाइन्स की हेल्प से यानी क्रॉस लिंक्स की हेल्प से की कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाता है. फिर अदर फर्दर देखिए ये डिवाइड होता चला जा रहा है सब कॉन्सेप्ट्स में. अब कॉन्सेप्ट मैप के प्रकार क्या क्या हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं कॉन्सेप्ट मैप. कॉन्सेप्ट मैप स्पाइडर मैप की फॉर्म में भी हो सकता है, और जैसे कि आपने अभी बताया आंसर में, कॉन्सेप्ट मैप फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है. स्पाइडर मैप हम इसे क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पे भी सेम ही चीज है, मेन कॉन्सेप्ट को डिवाइड कर दिया है फोर पार्ट्स में. ये क्योंकि इसकी शेप को देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये स्पाइडर की फॉर्म में, जैसे स्पाइडर के वो होते हैं लेग्स होते हैं ना जो फैले हुए होते हैं, इसकी शेप कुछ स्पाइडर की तरह, इसलिए इसको स्पाइडर मैप बोला गया है. फ्लो चार्ट में फिर वही जैसे कि आपने बताया मेन कॉन्सेप्ट है और वो फ्लो करता चला जा रहा है नीचे सब कॉन्सेप्ट में, और कनेक्ट हो रहा है येस और नो से. इसके बाद कॉन्सेप्ट मैप हायरार्की मैप की फॉर्म में भी हो सकता है, सिस्टम मैप की फॉर्म में भी हो सकता है. हायरार्की मैप में हायरार्की दिखाई जाती है, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को अगर शो करना है तो हायरार्की मैप की फॉर्म में हम बना सकते हैं. सिस्टम मैप में हम कुछ भी किसी भी सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करना हो कि कोई सिस्टम काम कैसे कर रहा है, तो वो हम सिस्टम मैप की हेल्प से बना सकते हैं, और वो कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे कि हम यहाँ स्लाइड में दिखा रहे हैं. अब कुछ ऑनलाइन कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल्स हैं जिनको मैंने यहाँ शेयर किया है आप लोगों के साथ. ऑनलाइन मैपिंग टूल्स जो अवेलेबल है नेट पे वो है bubble.us, पॉपलेट, माइंड मैप, क्रिएटली, कॉगल, लूसिड चार्ट, माइंड मिस्टर, माइंडोमो, स्पाइडर स्क्राइब. और कुछ फ्री एंड ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल्स भी हैं, जैसे कि फ्री माइंड. ये फ्री एंड ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट मैपिंग टूल है, यानी कि आप इसको ओपन करेंगे एंड विदाउट एनी चार्जेस आप इसको यूज कर सकते हैं इन टूल्स को. सेकंड है एड्रो माइंड मैप, फिर है डॉसियर, व्यू जो अभी हम बात कर रहे हैं जिसकी, फ्री प्लेन, कॉगल, एक्स माइंड या वाइज एंड वाइज मैपिंग, माइंड 42, 3D टॉपिक स्पेस. कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट मैपिंग टेक्निक द लर्नर इज नॉट ओनली पैसिव बट आल्सो एक्टिव इन लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इसमें ये बताया है हमने कि कॉन्सेप्ट मैपिंग का अगर यूज करके आप बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, इस टेक्निक का यूज अगर आप करा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट है आपकी क्लास में वो पैसिव लर्नर नहीं होगा, वो एक्टिव लर्नर हो जाएगा. हाउ, कैसे होगा वो एक्टिव लर्नर, क्योंकि ऑब्वियसली जब
आप सिखा रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट, तो उसमें आप बच्चे के आइडियाज भी ले रहे हैं, और बच्चे के आइडियाज ही लेकर कॉन्सेप्ट मैप बनाना चाहिए ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा हो और बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। ये नहीं कि टीचर बना के ले गया है और बस सिखा रहा है। अब कॉन्सेप्ट मैप वैसे देखा अगर जाए, जैसे अगर हम प्राइमरी क्लास में सिखा रहे हैं, एलिमेंट्री क्लास में कॉन्सेप्ट की मदद से टीचर ले गया मैप बना के और बच्चों को पढ़ा रहा है कि इसके बाद ये कनेक्ट हो रहा है, यानी ग्रामर ही सिखा रहा है, तो उतना क्लियर बच्चे को नहीं हो पाएगा जब तक कि हम बच्चे के खुद के आइडियाज नहीं लेते और कॉन्सेप्ट मैप में ऐड नहीं करते। यानी कि अगर हम सिखा रहे हैं उसको नाउन के बारे में, तो हम बच्चों से ही पूछेंगे कि नाउन क्या होता है और प्लेसेस के एग्जाम्पल बताइए, थिंग के एग्जाम्पल बताइए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बच्चे को हम एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे मैपिंग करने के लिए, और जब बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली उसके जो आइडियाज हैं वो आइडियाज को कंस्ट्रक्ट करने में केपेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट देयर नॉलेज ऑन एनी टॉपिक। तो इतना कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर डेवलप होगा इफ यू इन्वॉल्व देम एक्टिवली इन क्रिएटिंग द माइंड मैप्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट द स्टूडेंट विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट देयर नॉलेज ऑन एनी टॉपिक। फिर वो किसी भी टॉपिक पे अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर सकता है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, और ऑब्वियसली अगर हम उसका इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं तो स्टूडेंट जो है वो ज्यादा अच्छे विजन के साथ लर्न कर सकेगा और एक बड़ी पिक्चर, यानी कि जैसे कि मैं सिखा रही हूँ, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वो ग्रामर सिखा रहे हैं, तो अगर आपने नाउन का कॉन्सेप्ट उनको सिखा दिया है और किसी और सपोज आप वर्ब सिखाना चाह रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट खुद जो है अपनी इच्छा से इन्वॉल्व होएगा और खुद एग्जाम्पल बताएगा, खुद कॉन्सेप्ट मैप जो है वो क्रिएट कर सकेगा। ये इस वाली पिक्चर में आप देखेंगे कंपैरिजन बताया गया है अलग अलग माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर्स का, कि किस प्लेटफॉर्म पे वो काम करते हैं, उनका यूज क्या है और उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल एक्सटेंशंस क्या है। तो ये एक आप इसको देख लीजिए, इसको हर टूल को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि किस किस प्लेटफॉर्म पे, या आप इसकी पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं, काम करते हैं और क्या इनका यूज है और किस क्या क्या इनकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल एक्सटेंशंस है। एड्रो माइंड, माइंडोमो, फ्री माइंड, माइंड मैनेजर, ल्यूसिड चार्ट, बबल डॉट यू एस, माइंड मैप, कॉगल, एक्स माइंड 8, माइंड जीनियस, क्रिएटली, तो अब स्टार्ट करते हैं व्यू। व्यू क्या है? व्यू द व्यू की फुल फॉर्म जो है, इट इज वर्चुअल या विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसे डेवलप किया गया था एकेडमिक टेक्नोलॉजी ग्रुप ने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक टेक्नोलॉजी ग्रुप है उन्होंने इसे डेवलप किया था और ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स फीचर्स टू क्रिएट माइंड मैप्स एंड चार्ट्स इजीली फॉर्मेट एंड इंटरप्रेट आइटम्स, यूज लेयर्स एंड एनालाइज चार्ट्स इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं व्यू की हेल्प से, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और जितने भी आइटम्स, आइटम्स मीन्स जितने के नोड्स हम उसमें कनेक्ट कर रहे हैं उन सब का इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं। विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट इज एन एप्लीकेशन फॉर कंसेप्ट एंड कंटेंट मैपिंग फॉर स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस, सीईओज, मैनेजर्स एंड राइटर्स दैट प्रोवाइड्स अ सिंपल येट पावरफुल टूल। तो विजुअल अंडरस्टैंडिंग का एनवायरनमेंट का यूज सिर्फ टीचिंग लर्निंग में ही नहीं है, सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं है, इसको बिजनेस फील्ड में भी यूज किया जा सकता है। सीईओज भी यूज कर सकते हैं, इवन राइटर्स जो है जो लिखते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इसका यूज बहुत ही ब्रॉड है, किसी भी फील्ड में यूज किया जा सकता है वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट। सो व्यू कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डिजिटल कंटेंट इन अ नॉन लीनियर वे और एज एन इंटरफेस।
तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हम व्यू में जब कंसेप्ट मैप बनाते हैं तो नोट्स की हेल्प से बनाते हैं और रिलेशनशिप शो करते हैं, तो ये एक जैसे कि अभी आपने आंसर दिया था फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, स्पाइडर मैप की फॉर्म में भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये नॉन लीनियर वे है, यानी कि एक लाइन से नहीं चला जा रहा है, ये वक्त फैला हुआ होता है, लीनियर नहीं होता है। As the availability of digital information increases, Vue differentiates itself as a flexible tool, helping teachers and students integrate, organize, and contextualize electronic content in their work. Digital information का जैसे बहुत ज़्यादा use हो रहा है, तो जो Vue है ये अपने आप में एक बहुत ही flexible tool है जो कि teachers और students के लिए बहुत helpful है, और इसमें student and teachers वो अपनी information को, अपने काम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट कैन बी एक्सेस थ्रू द वेब विद द हेल्प ऑफ व्यू रिसोर्स पैनल, इट हेल्प्स डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स। ये वाला पॉइंट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम एक न्यू वे में बच्चे को कॉन्सेप्ट मैप सिखा रहे हैं, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कोशिश कर रहे हैं सिखाने के लिए, तो बच्चे की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, यानी कि बच्चा जो खुद से सोच सकता है, खुद से एनालाइज कर सकता है, उसकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, और ये हम अब डिस्कस कर चुके हैं कि स्टूडेंट जो है नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में समझ सकता है। व्यू के क्या क्या फीचर्स हैं? इट अलाउज प्रेजेंटर्स टू क्रिएट एनोटेटेड ट्रेल्स थ्रू देयर मैप्स। द पाथवे फीचर ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्लाइड व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मैप, यानी इसका एक फीचर ये है। एनोटेटेड ट्रेल्स का मतलब है कि जब आप कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट को सब कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते चले जाते हैं, तो उसकी जो ट्रेल्स है, जो रिलेशनशिप्स है, वो बढ़ती चली जाती है। जितना आप उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को, उतना ही बड़ा आपका कॉन्सेप्ट मैप बनेगा। तो व्यू में एक स्लाइड व्यू का भी ऑप्शन है कि आपने कई सारे मैप्स अपने बना लिए और वो स्लाइड की फॉर्म में जो है फिर आप प्रेजेंट करते हैं, एक मैप के ऊपर दूसरा मैप जो है वो बनता चला जाता है, और फिर जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी हम पीपीटी प्रेजेंट करते हैं, तो स्लाइड्स जो है उसकी आती चली जाती है। द स्लाइड मोड लेट्स द प्रेजेंटर टॉगल बिटवीन मैप व्यू एंड स्लाइड व्यू, यानी कि मेन मैप पे भी आप आ सकते हैं और स्लाइड व्यू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। व्यू कैन बी यूज्ड बाय एनीवन इंटरेस्टेड इन विजुअल स्ट्रक्चरिंग ऑफ डिजिटल कंटेंट। क्या डिजिटल कंटेंट को अगर आप विजुअली स्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो कोई भी व्यू का यूज कर सकता है। तो ये जो पिक्चर है इसमें हम बता रहे हैं आपको कि व्यू वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट या विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट एप्लीकेशन जो है वो आप अपने सिस्टम में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है कि गूगल पे आप टाइप कीजिए विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, और जो पहले वाला ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आएगा, पूछेगा डाउनलोड के लिए। तो डाउनलोडिंग आप कैसे करेंगे? अगर आपका मैक वर्जन वाला पीसी है तो मैक, विंडोज वर्जन, लिनक्स वर्जन, जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यूजुअली हम विंडो का करते हैं, तो विंडो पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वाला स्क्रीन आएगा, ये आपसे आपको बताएगा कि डाउनलोड का कौन सा वर्जन अवेलेबल है। विंडोज वाला जो वर्जन है इस पे लिखा हुआ है डाउनलोड व्यू फॉर विंडोज, यहाँ हम क्लिक कर देंगे और फिर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो हमसे पूछेगा कि रन करना है या कैंसिल करना है, रन पे हमें क्लिक करना है और फिर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, इंस्टॉलिंग आपके सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगी। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये एम्प्टी मैप खुलकर आएगा आपके सामने, जहां आप कंसेप्ट मैप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी जब हम हैंड्स ऑन करेंगे, डेमोंस्ट्रेशन हमारा होएगा, तो उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं, ये मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें कुछ मेन ऑप्शंस का यूज करना हम आपको बताएंगे। और ये एक एग्जाम्पल मैंने लगाया है कंसेप्ट मैप का, कि ये भी इस तरीके का कंसेप्ट मैप भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट।
इस बीच अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, ना मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा। ये एम्प्टी मैप आ गया है जहाँ अभी हम कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे। तो कंसेप्ट मैप में, कंसेप्ट मैप क्या होता है मैं यही ड्रॉ करके आपको बताती हूँ सिंपलर वे में। देखिए आप देख सकते हैं ये ऊपर मेन्यू है हमारा, फाइल के ऑप्शन में कुछ सब ऑप्शंस हैं, एडिट में व्यू, फॉर्मेट, कंटेंट, पाथवेज, एनालिसिस, विंडो एटसेट्रा, और जो ड्राइंग टूल्स हैं वो इसके नीचे वाले मेन्यू में दिए गए हैं। पहले वाला है सिलेक्शन टूल है, ये नोट टूल है, सेकंड, थर्ड वन लिंक टूल है जिससे कि हम लिंक्स क्रिएट करेंगे, ये भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, लिंकिंग टूल ही है ये भी, ये टेक्स्ट के लिए है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, ये दिस इज द जूम टूल, दिस इज मूव कैनवस के पूरे स्क्रीन को अगर आप मूव करना चाहते हैं, और ये जो है प्ले बैक स्लाइड्स जो कि अभी हमने बताया था कि स्लाइड्स बना सकते हैं। So let's start. अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्सेप्ट मैप होता क्या है, अभी तो हमने पीपीटी ही देखी है। फिर हम नोड टूल का ही यूज करते हुए एक और सब नोड हम बना लेंगे, लेकिन इसका इजियर तरीका है कि या तो आप पहले सब नोड्स बना लें और फिर लिंक करें, या फिर जैसे आपकी इच्छा हो कि लिंक्स करते चले जाएं और सब नोड्स क्रिएट करते चले जाएं। इसको अब हम लिंक करते हैं, थर्ड टूल है हमारा लिंक टूल। ये अभी एरो की फॉर्म में आ रहा है और इसको हम चेंज कर सकते हैं, कर्व लाइन भी हम बना सकते हैं इसकी। तो जब हमने लिंक टूल क्रिएट करा तो बीच में एक और कनेक्टिंग वर्ड ये हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ हम कनेक्टिंग वर्ड डाल देते हैं आर। तो इससे ये क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट मैप्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर और हम इसका रिलेशनशिप अगली वाली नोट से जोड़ते हैं, आर क्रिएटेड, कॉन्सेप्ट मैप्स आर क्रिएटेड विद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। या डायरेक्ट जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप भी पहले कर दीजिए और फिर नोड बना दीजिए।
graphical representations which are linked by a line which shows relationships. देखिए थोड़ा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट मैप ही क्या होता है, ये थोड़ा क्लियर होता चला जा रहा है. कॉन्सेप्ट मैप्स used by students देखिए या तो एक यहीं से हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग हम कनेक्टिंग लाइंस ना बनाए तो इसको हम डिलीट कर देते हैं. ये एरो लाइन क्लियर नहीं हो रही थी, एरो नहीं दिख रहा था, तो हमने सिलेक्ट किया इसको और फिर मूव कर दिया सब नोट को. तो इसको राइट लेफ्ट डाउन अप तो आपने देखा कि कॉन्सेप्ट मैप को हमने अगर हमें एक ही कनेक्टिंग वर्ड से जोड़ना है, कॉन्सेप्ट मैप आर यूज्ड बाय, हम इसकी दो लाइंस ही बना सकते थे टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हमने एक ही लाइन में एक ही लाइन एक कनेक्टिंग वर्ड से शो कर दिया है, दोनों नोट्स को एक ही कनेक्टिंग वर्ड से जोड़ दिया है. अब स्टूडेंट्स इसको कैसे यूज करते हैं, students used concept maps for students can use for brainstorming study aids instructors कैसे use कर सकते हैं. instructor can use concept maps for assessment also. And concept maps communicates what it communicates? It communicates knowledge from teacher to students, or it can be used for transferring knowledge. So keyword hum linking word jo hai wo kuch bhi rakh sakte hain jo ki better explanatory ho. एक सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट मैप आपको बना के बताया है. इतना क्लियर है ना मोनिका मैम, मैं आगे इसके फीचर्स एक्सप्लेन करूं.
दिख रहा है ना? I think hands on के दौरान जब और queries आएंगी so we can enhance it further because basic concept mapping का जो एक structure है वो हो गया है. थोड़ा सा कुछ questions आ रहे थे कि इनको shapes को change करने के और अंदर color वाला वो थोड़ा सा font वगैरह के लिए वो एक बार बता दीजिए. जी 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 देखिए जब अगर हमें इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं ऑल द फॉर्मेटिंग वी कैन डू इन द कॉन्सेप्ट मैप. इसमें वही मैं बताना चाह रही थी कि अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है इसका टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है किसी पर्टिकुलर नोड का तो आप बस उसी नोड को सिलेक्ट कीजिए और इसकी जो फॉर्मेटिंग टूल्स आपको मिलेंगे वो विंडोज में मिलेंगे. विंडोज ऑप्शन में विंडो में फॉर्मेटिंग पैलेट है. इसमें आप देखिए इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं. ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है तो हम इसको चाहते हैं कि ये अलग से दिखे क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है. अभी तो ये सारे नोड्स एक ही कलर के दिख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है. कभी कभी मेन कॉन्सेप्ट हमारा सेंटर में भी होता है. अब ये तो मैंने टॉप पे बना दिया है तो अगर सेंटर में है और फिर सारी लाइंस कनेक्ट हो रही है तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. और मैप हमारा बहुत बड़ा है अगर के मेन कॉन्सेप्ट कौन सा है तो मेन कॉन्सेप्ट का कलर हम बदल सकते हैं. यहाँ से आपको जो भी कलर सूटेबल लग रहा है आपके अकॉर्डिंग आप वो कलर ले लीजिए. मैंने ये लाइट कलर एक ले लिया है और अगर इसका टेक्स्ट आपको चेंज करना है तो ये टेक्स्ट ऑप्शन है. सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट पे जाएंगे और जो भी आपको ठीक लगता है फॉन्ट वो फॉन्ट आप ले सकते हैं. स्टाइल अगेन ये टेक्स्ट का कलर बदल रहा है तो हम थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं ताकि दिखे. इसको आप बोल्ड कर सकते हैं जैसे कि जो वर्ड के टूल्स है फॉर्मेटिंग टूल्स वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है. लेकिन सब कुछ भी चेंज करने से पहले सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा. आप इटैलिक्स में कर सकते हैं बोल्ड कर सकते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है इसी तरीके से आप नोट्स के कलर और नोट्स के जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं. सॉरी और अगर आप शेप बदलना चाहते हैं तो ये शेप्स के ऑप्शन है. ये रेक्टेंगुलर है ओवल है रोम्बस फॉर्म में है तो जिस भी फॉर्म जो स्टाइल आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हैं. हम ओवल ले लेते हैं लेकिन सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा. अब ये मेन कॉन्सेप्ट हमारा अलग से दिख रहा है कि ये मेन कॉन्सेप्ट है. इसके बाद अगर आप पूरे ही ग्राफ का चेंज करना चाहते हैं पूरे कॉन्सेप्ट मैप का तो फिर आप इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन टूल हमारा ये फर्स्ट है. फर्स्ट एरो बटन जो है ये सिलेक्शन टूल है. पूरे को सिलेक्ट आप कर लीजिए. सिलेक्ट हो गया और जो चेंजेस करने हैं फॉर्मेटिंग वो आप यहाँ फॉर्मेटिंग पैलेट से फॉर्मेटिंग पैलेट से कर सकते हैं. ये आ गई तो हैंड्स ऑन में करिए. अच्छा इसके और फीचर्स ये हैं कि इसमें आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं. इसमें आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं. इसमें नोट्स ऐड कर सकते हैं. एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ. कॉन्सेप्ट मैप में सपोज मैं एक्स्ट्रा नोट ऐड करना चाहती हूँ या मैं कोई कीवर्ड ऐड करना चाहती हूँ. मैं कीवर्ड ऐड करके आपको दिखाती हूँ. जब मैं ऐड कीवर्ड करूंगी तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और ये पूछेगा कि कीवर्ड क्या चाहिए. तो हम ये जो प्लस बटन है कीवर्ड के सामने इसको क्लिक करेंगे और इसमें मैंने लिख दिया कॉन्सेप्ट मैप को हम माइंड मैप भी कह सकते हैं. MIND माइंड मैप्स बंद कर देते हैं. तो यहाँ आप देखेंगे एक छोटा सा ये बटन क्रिएट हो गया है. जैसे इस पे हमारा एरो आएगा तो जो हमने यहाँ पे कीवर्ड ऐड करा है इसको लेके वो विजिबल हो जाएगा. जैसे हम यहाँ पे अपना एरो लाएंगे क्लिक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत कुछ इसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं. कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं URL ऐड कर सकते हैं इमेज ऐड कर सकते हैं. ठीक है तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए. हैंड्स ऑन में अगर कोई भी डाउट आता है तो पूछ सकते हैं. और इसको सेव करने के लिए हम सेव एज अपने मैप का हम नाम देंगे. मैप वन ही कर देते हैं. क्या लोकेशन किस लोकेशन पे इसको हमें सेव करना है. हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं. और फाइल फॉर्मेट इसका हमको क्या चाहिए. हम
पीडीएफ में इसको सेव कर रहे हैं ताकि इसको हम कहीं भी खोलें, किसी भी सिस्टम में खोलें, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके खोलना चाहते हैं, घर में खोलना चाहते हैं, ये एज इट इज ही खुलेगा क्योंकि ये फिक्स फॉर्मेट में आ गया है पीडीएफ में अगर आप करते हैं तो, और सेव कर देते हैं तो ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हो गया। ये मेरे सिस्टम में थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, तो हैंड्स ऑन स्टार्ट कर लेते हैं, कोई डाउट आता है तो आप पूछिएगा क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर गुलशन फॉर दिस कंप्लीट डेमोंस्ट्रेशन एंड टेकिंग अप द क्वेरीज आल्सो। टू थ्री क्वेश्चंस आर देयर इन द चैट बॉक्स व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क राइट अवे, और उसके बाद हम लोग हैंड्स ऑन के लिए जाएंगे। एक तो इसमें हिंदी को लेकर के प्रश्न था कि क्या ये हिंदी फॉन्ट्स को सपोर्ट करता है, यूनिकोड को या फिर डायरेक्ट फॉन्ट्स को। इसमें आप गूगल इनपुट का यूज करके आप ट्राई करिएगा हैंड्स ऑन में, मुझे लगता है कि हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है। एक क्वेश्चन है चंचल जी का, कैन वी डू दिस इन मूडल। अब मेरे को ये सॉरी मोबाइल, ओके, कैन वी डू दिस इन मोबाइल। नहीं, मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता ये व्यू का जो है, ये एप्लीकेशन है एक्चुअली, लेकिन ये आपके पीसी और डेस्कटॉप पे ही चलेंगे। और अगला सवाल है, मैम क्या इससे बनाया गया वर्क हम दीक्षा पर अपलोड कर सकते हैं, और क्या इस सॉफ्टवेयर को एट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। हाँ, एट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, दीक्षा पे अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आप किसी चैप्टर से, किसी टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक बेस्ड होना चाहिए कॉन्सेप्ट जो है, लेकिन फिर वही है कि दीक्षा पे अपलोड करने का एक प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस जो है आपको जानना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि हमने 3-4 माइंड मैप बना लिए किसी भी साइंस के कॉन्सेप्ट और हमने अपलोड कर लिए, बट हाँ देर इज अ सेट प्रोसीजर जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाउ टू कोड कॉन्सेप्ट मैप इन पीपीटी और वर्ड फाइल। इसको इसमें मैंने आपको बताया ना, स्लाइड का भी ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर करेंगे तो, या फिर आप अपनी इमेज को पूरा सिलेक्ट करके पीपीटी पे पेस्ट कर सकते हैं। ये जो इमेज ही बन गई ना आपकी, इसको आप इमेज की तरह जो है अपनी स्लाइड पे पेस्ट कर दीजिए तो आपकी पीपीटी पे आ जाएगा। मैम एक सवाल और था कि कॉन्सेप्ट मैपिंग और माइंड मैपिंग में क्या डिफरेंस है। हाँ नहीं, मैंने अभी कीवर्ड ऐड करा ना माइंड मैप, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बोथ आर द सेम थिंग्स। देखिए कॉन्सेप्ट मैप में हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, माइंड मैप को भी बनाने का यही तरीका है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इसमें एडिशनल फीचर्स हैं विजुअल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट में। जब हम कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं तो इसके फीचर्स थोड़े और ज्यादा हैं, माइंड मैप्स में उतने माइंड मैपिंग जब आप करेंगे तो उसमें उतने नहीं। आई थिंक बेसिकली अगर मैं ऐड करूं तो जो इसके अंदर रिलेशनशिप वाला जो पार्ट होता है ना, दो कॉन्सेप्ट के बीच में जो हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जो हम नेम देते हैं रिलेशनशिप का, वो माइंड मैपिंग का पार्ट नहीं है। माइंड मैपिंग बेसिकली आप एंड ऑफ द डे एक इन्फोग्राफिक की तरह हमें आउटकम मिलता है, बट इसके अंदर हमारी दो कॉन्सेप्ट्स का रिलेशन भी निकल के आता है, which makes it more appropriate for teaching, learning and assessment. एक क्वेश्चन और था, वो आई थिंक ऊपर चला गया, वो था कि असेसमेंट में इसका यूज कैसे कर सकते हैं। आप बच्चों को असेस करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया बच्चों को, ठीक है, अब आप उसको चेक कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, तो आप वहीं ब्लैक बोर्ड पे खड़े होके या जो भी आप मीडियम यूज करते हैं लिखने के लिए, उस पे आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं कि आज कल हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था पर्टिकुलर, जैसे मैंने क्लाइमेटिक चेंज का दिया, तो अब ये बताइए क्लाइमेटिक चेंज होता कैसे है। ठीक है, वही क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे आपने हाथ में चौक ली और एक एक बच्चे से पूछते गए कि बताओ इसके आगे ये क्या कौन सा क्या आएगा, क्या सब नोटिस में हम ऐड करें कि हम क्लाइमेटिक चेंज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो वही बच्चों से जो क्वेश्चन आंसर कर करके माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आप बच्चों को असाइनमेंट की फॉर्म में भी दे सकते हैं।
अगर बच्चे आपके बड़े हैं तो. ओके सो देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस व्हिच वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज नेक्स्ट सेशन जो है हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे. आप इन्हीं दो सॉफ्टवेयर्स पे इजीली और वीयूई इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तब हम लोग यहीं पे साथ साथ आपको आंसर करते रहेंगे. तो अभी हम लोग 10 मिनट के लिए चाय के लिए ब्रेक करेंगे. आप लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप होके आ जाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में वीयूई को और इजीली को खुद प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को लेंगे. राइट. So thank you Dr. Gulshan for this session, but we will request you to be with us for the next session also, so that whatever queries are there with the participants, we can take that. Sure. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Be there in the session after 10 minutes. 11:40 we will meet again.